यस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार मैं पुनः आप लोगों के सामने हूँ काइनेमेटिक्स के चैप्टर के साथ। और इस काइनेमेटिक के साथ में आप ये ध्यान दीजिएगा कि मेरा आईआईटीज के मेंस और एडवांस के प्रॉब्लम्स को जो अब तक पूछे गए हैं 45 इयर्स के, उस क्वेश्चंस को मैं कवर कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा इस बात के लिए जोर दिया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उन सारे कन्वेंशनल क्वेश्चन को भी किया जाए, एनालिटिकल क्वेश्चंस को भी किया जाए जो कि मेंस के में वो आते ही रहे हैं और थोड़ा सा टफ नेचर के भी होते हैं, जो आईआईटी एडवांस के भी ऊपर के क्वेश्चंस होते हैं। क्यों, मैं ये भी डिस्कस कर लेता हूँ कि ये भाई वो क्वेश्चन हुआ करते थे पहले के सालों में जिसकी टोटल क्वेश्चन 3 घंटा में 8 या 10 क्वेश्चन करना रहता था। तो आप समझ सकते होंगे कितने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन थे और ईच क्वेश्चन का 5 मार्क्स 6 मार्क्स 8 मार्क्स के हुआ करते थे। तो वो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस होते हैं, उस पर भी मैं फोकस करता रहूँगा। और हाँ, मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशंस तो कई जगह उपलब्ध होते हैं। मेरा क्या एम है कि आपके साथ डाउट्स का डिस्कशंस करना। अगर आपको किसी प्रॉब्लम्स में डाउट है तभी इसको देखिए, अगर आपके साथ डाउट्स नहीं आ रहा है तो आप आगे बढ़ते चले जाइए। जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम्स में डाउट लगे तो उस जगह पॉज करके हमारे साथ इंटरेक्ट कीजिए और बेहतरीन ढंग से सीखिए। इसी कड़ी में मैं आपके साथ एक डिस्कशन करने आ रहा हूँ। आईआईटी मेंस 2021 को 16 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था और ये एक्चुअल क्वेश्चंस है। शुरुआत के दौर में तो ये एक गेस क्वेश्चंस था बच्चों के द्वारा, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन अभी मेरे पास ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या कहता है क्वेश्चन कि देयर इज ए वेलोसिटी एंड पोजिशन ग्राफ। यू कैन सी दिस, दिस इज ए पोजिशन एंड ऑन द वाई एक्सिस देयर इज ए वेलोसिटी। कहता है कि इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशंस एंड पोजिशंस ग्राफ ड्रॉ कीजिए। आप देख सकते हैं आपको फोकस करके रखा गया है। अब है इस ग्राफ को कैसे करें, यहाँ पर कोई गेस नहीं करना है, देयर इज ए नो गेस एट ऑल। और इसको बनाने के दो तरीके होते हैं जो मैं आपके साथ तुरंत डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला है राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन इन गिवन फॉर्मेट। अब फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया कि उस टाइम तक का लिमिट लेके चलिए जिस तक में एक नेचर का है। अब यहां पर आ जाइए, इस वेलोसिटी और एक्स में इट इज स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में आप कैसे लिखते हैं, दिस इज ऑल टाइम एम एक्स प्लस सी भी वाई एक्सिस के वेरिएबल है, एक्स एक्स एक्सिस के वेरिएबल है, एम स्लोप है ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड सी इज द इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पर भी को आपको टच नहीं करना है। एम कितना हो जाएगा, इसकी स्लोप की बात करते हैं, तो ये 40 डिवाइडेड बाई 200 इज इट पॉजिटिव और निगेटिव। आप देख सकते हैं थीटा का एंटी क्लॉक वाइज है, सो इट इज ए पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव दिया। एक्स वेरिएबल है इसके लिए छोड़ दीजिए, और एक्स की वैल्यू को जैसे ही जीरो पुट करते हैं इस ग्राफ में, एक्स की वैल्यू को यहाँ पर जीरो पुट कीजिए, वो इंटरसेप्ट, यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो तो ये इंटरसेप्ट होता है, ये क्या है पॉजिटिव टच 10। अब यहाँ से ये कट गया, अब आपके पास क्या आ गया 1/5 एक्स प्लस 10। तो ये आपके पास कौन सा बच्चे लोग इक्वेशंस हो गया, दिस इज नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस, क्लियर कट आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर है कि अलग अलग पोजीशंस पर अलग अलग वेलोसिटी और निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि किस जगह पर हमारे पास यहाँ पर के पार्ट आते हैं। जिस जगह पर हम x की वैल्यू को जीरो लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू को जीरो लेते हैं तो वेलोसिटी मेरे पास, सॉरी ये ग्राफ, अभी तो मेरे पास ये ग्राफ आया है, अभी हमारे पास क्या है इसका, यस अब हमारे पास क्या है इससे, लेकिन पूछा वेलोसिटी का नहीं गया है, वेलोसिटी का तो ये ग्राफ है ना। अब हमको ये देखना है कि एक्सीलरेशन और पोजीशन को है, तो आप क्या कीजिएगा, वेलोसिटी और पोजीशन के ग्राफ आ गए हैं, आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए। कैसे कीजिएगा, डी वी बाई डी टी दैट इज एन एक्सीलरेशन। इस साइड आ जाइए, 1/5 इज ऑल टाइम कॉन्स्टेंट, दिस इज द डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी एंड दिस इज अ कॉन्स्टेंट जीरो, सो दिस बिकम्स एक्सीलरेशन, दिस इज बिकम्स 1/5 एंड ऑब्वियसली डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी और पोजिशन आ गया। अब आपके पास है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का नहीं ग्राफ है, तो हम इसे भी डायरेक्ट प्लॉट कर सकते थे। अगर ये पूछा जाता कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का कैसा है तो ये इस ग्राफ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, एक्सीलरेशन और पोजिशन का है, तो इस भी को आप डिलीट कर दीजिए और इसके जगह पर इसे पुट कर दीजिए। तो अब क्या हो गया बच्चे लोग, एक्स बाई फाइव और यहाँ पर ऑलरेडी फाइव है,
तो दिस इज ए 5 + 10 वन बाई फाइव एक्स, तो 1 बाई यहाँ से आ जाइए x बाई फाइव और ये 5 आ गया और प्लस 10 तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5 डिवाइडेड हो गया, मतलब इक्वेशन क्या बच गया x बाई 25 और 2। सो दिस इज द एक्सीलरेशन एंड पोजिशन ग्राफ। अब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप आ जाइए एक्सीलरेशन और पोजिशन आ जाइए। एक्सीलरेशन और पोजिशन इज अ ऑल टाइम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि और इसकी स्लोप क्या है 1/25 और ये स्लोप के जगह पर क्या है पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव हो गया और स्ट्रेट लाइन हो गया। ये ऑटोमेटिक कट गया, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऑटोमेटिक कट गया। अब ये दो स्ट्रेट लाइन है, इस दोनों में कौन बेस्ट होगा अभी से चूज करना है। अब आप सबसे पहले पुट कीजिए एक्स इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू क्या आ गया 2 m/s² यहाँ पर दोनों ही केस में दिया हुआ है 2 m/s² एंड 2 m/s। चलिए यहाँ तक के लिए कोई बात, वो दोनों ही केस में मेरे पास आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, इस जगह पर आइए, इस इक्वेशंस के पार्ट को आइए। यहाँ बच्चे लोग क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी इज, इसका भी लाइन टू स्ट्रेट लाइन लिखिए, तो इसका सेकंड पार्ट के लिए, इसके लिए तो क्या दिखिएगा वेलोसिटी इज ऑल टाइम कॉन्स्टेंट विथ पोजिशन। यहाँ पर अगर आप लिखते भी हैं एम एक्स प्लस सी, स्लोप क्या है 0 एक्स और इंटरसेप्ट क्या है, ये इंटरसेप्ट आ जाइए, इस इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 - 10 = 40। इंटरसेप्ट की वैल्यू यहां से आपका लेना है 50 इंटरसेप्ट आपका, ये पूरा लेना है नहीं, स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट कितना है 50 है तो 50 ले लिया। अब अगर आप ये देखिएगा कि v इक्वल टू क्या हो गया 50, अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना है तो dv बाई dt जैसे कीजिएगा वो तो 0 हो जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन क्या हो गया फॉर द टाइम इंटरवल किसके लिए, x की पोजिशन ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन ले लिए, किसका ग्रेटर हो गया 200 m से, 200 m - 400 m तक ये इक्वेशन वैलिड है जहां एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 है, dv बाई dt मतलब एक्सीलरेशन 0। अब आपके सामने इसमें से कौन सा इसमें एक्सीलरेशन है, इसलिए ये फोर्थ चॉइस है, ये भी कैंसिल हो गया एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपने एक बेहतरीन क्वेश्चन को सीखने की कोशिश किया कि आप कैसे निकाल सकते हैं जब वेलोसिटी और पोजीशन को ग्राफ को दिया हुआ है और एक्सीलेशन और पोजीशंस को निकालना है, निश्चित रूप से आप एक्सीलेशन निकालने की कोशिश कीजिए वो भी विथ पोजीशंस रिलेशंस का। ऐसे कई ग्राफ जो इसमें पूछे गए हैं आपके सामने निश्चित रूप से अभी तुरंत और सॉल्व होगा। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक बार पुनः ग्राफ के ही क्वेश्चंस आए हुए हैं IIT, आप देख सकते हैं मेंस 2021 में 18 मार्च के क्वेश्चन थे और 5th शिफ्ट के हैं, पहले शिफ्ट में ये ऑनलाइन सा क्वेश्चन सेट हुआ था। अब आपके सामने दिया हुआ पोजीशन और टाइम का, वेलोसिटी एंड टाइम का और एक्सीलेशन और टाइम का 4 सेट्स हैं आपके सामने देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एनालिसिस के लिए इसको बोर्ड पर भी बना दिया क्योंकि वो फोकस है और ये मेरे सामने में है। अब आपके सामने कहता है कि अगर ये पोजीशन टाइम हो, वेलोसिटी टाइम हो और एक्सीलेशन टाइम हो तो इसमें से कौन सा सही हो सकता है। अब आपके सामने आइए, एक इक्वेशन लीजिए पोजीशन टाइम में, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at² ये पोजीशन टाइम का, वेलोसिटी का लीजिए v इक्वल टू यू प्लस at और एक्सीलेशन तो आप देख सकते हैं एक्सीलेशन के में यहाँ पर इस ग्राफ के लिए, इस दोनों इक्वेशंस के लिए a का वैल्यू क्या होता है बच्चे लोग, कांस्टेंट होता है। ये तभी तक वैलिड इक्वेशन है जब a इक्वल टू कांस्टेंट है। अगर ये बात सही है तो ज़रा सा चेक कीजिए इस इक्वेशंस में क्या होता है, जब पुट कीजिए टाइम t इक्वल टू को 0 को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x की वैल्यू कुछ है 0 नहीं है, तो इस इक्वेशंस में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको और कर लीजिए इम्प्रूव, एक्स नॉट है प्लस ut प्लस हाफ at² है और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा v, इसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आ जाइए, आप देख सकते हैं कि पोजिशन और टाइम आपके पास पैराबोलिक इक्वेशंस हैं, वेलोसिटी और टाइम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनता है और इससे a कांस्टेंट है, तो ऐसा इक्वेशन जहां a कांस्टेंट है तो ये आप चारों में देख सकते हैं a कांस्टेंट है, तो इससे तो आपको कुछ नहीं हुआ। वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन और टाइम में आप देख सकते हैं जो मैंने यहां पर लिखा है कि ये आपको पैराबोलिक होगा, तो ये वाला पैराबोलिक हो सकता है और ये पैराबोलिक, दो तो ये कट गया आपका, तो ये दो तो नहीं हो सकता फर्स्ट और सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में, तो थर्ड और फोर्थ तो कट गया चूँकि आपकी आपके पास वो आपको पैराबोलिक होना चाहिए था। भी क्या होना चाहिए था इसमें, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था जिसका इनिशियल इंटरसेप्ट एक वैल्यू होना चाहिए था, तो इसमें सभी में वैल्यूज है, इस दोनों में ले लीजिए पैराबोलिक में, इसमें भी वैल्यू, इसमें भी वैल्यू है, ठीक है। ये आपके पास स्लोप क्या होना चाहिए था, at² में था, यहाँ पर स्लोप a होता, चलिए यहाँ पर भी ठीक हो गया। अब इसको आ जाइए वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, पोजिशन का तो देख लिया,
वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है और इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ घट रहा है, तो ये रिटार्डेशन से और एक्सीलेशन से है। और पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर कभी भी देखिए कॉनकेविटी अपवर्ड है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉनकेविटी अपवर्ड, इसका मतलब ही हो जाता है कि वेलोसिटी आप लगातार बढ़ रहा है। आप स्लोप देख सकते हैं, स्लोप इंक्रीजिंग कर रहा है पोजीशन टाइम का, मतलब ये वेलोसिटी अगर वी वन लिया जाए, यहाँ पर वी टू लिया जाए, स्लोप बढ़ रहा है, तो वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, मतलब वेलोसिटी बढ़ते हुए केस का है। तो वेलोसिटी बढ़ते हुए केस का है तो ये बिल्कुल सेट है, और एक्सीलेशन भी सेम है, इसलिए ये केस बिल्कुल सही बैठता है। इसमें वेलोसिटी बढ़ते हुए केस का है, लेकिन यहाँ तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग दिखा रहा है, वी इज डिक्रीजिंग, यहीं पर गलत हो गया। ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये वाला गलत हो गया। इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, और इसमें ये ठीक है, इसमें ये गलत है, ये गलत है, सॉरी ये गलत है, ये सही है और ये सही है। तो अब आपको ये चेक कर लेना है कि इसमें से हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन है, तो ए इज द बेस्ट ऑप्शन है। कैसा ग्राफ है, आप हमेशा इस बात को देखिएगा, मेरे तरफ से सीख लीजिए, अगर किसी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइप का अगर कनकेविटी अपवर्ड से ऊपर की ओर इसका कनकेविटी उठ जाता है, वो हमेशा एक्सीलरेटेड ग्राफ होगा, और वही अगर पोजीशन टाइम का कनकेविटी डाउनवर्ड्स हो जाएगा तो वो रिटार्डेशंस का या डिसीलरेशंस का ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन पर देखिए, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, खासियत इसकी क्या है कि देयर इज ए रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम्स। ये क्या होता है, दो बैंक हैं, आप ये देख सकते हैं इसकी पोजीशंस, रिवर की ये दो बैंक हैं, यहाँ पर एक स्विमर है, एंड दिस स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर एज ए शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, मतलब यहाँ से एकदम ठीक इस पोजीशन पर आना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। द पर्सन्स या स्विमर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द स्टिल वाटर, पानी के ऊपर उसकी स्पीड है 10 meters per second, एंड द स्विमर इज स्विमिंग एट एन एंगल 120 degrees विथ रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर के डायरेक्शन से 120 है, ये 90 हो जाएगा अगर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 degrees, एंड दिस इज 90 degrees हो गया, चलो परपेंडिकुलर से 30 degrees पर है। पूछता है वॉट इज द वेलोसिटी ऑफ ए रिवर सो दैट स्विमर जस्ट रीचेज द अपोजिट साइड ऑफ द बैंक, रिवर के जस्ट अपोजिट साइड में पहुंचता है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट ले लीजिए, एक हो जाएंगे वी कॉस 60 degrees और इधर क्या हो जाएंगे बच्चे लोग, वी कॉस 30 degrees। अब आप देखिए आपके पास तीन वेलोसिटी हो गया, इसको जरा सा एनालाइज कीजिए, यहाँ पर ये बच्चे हो गया सीधा इसके कंपोनेंट एक, कौन सा कंपोनेंट हो गया, वी कॉस 30, किसका कंपोनेंट है, उस स्विमर का जो स्पीड है उसके कंपोनेंट का आ गया, उसी स्विमर का एक कंपोनेंट इधर आ गया वी स्विमर कॉस 60 degrees, और ये आपके पास आ गया वेलोसिटी ऑफ रिवर आ गया, और इसको सिर्फ सीधा जाना है तो इन दोनों का रिजल्टेंट को क्या होना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर वी आर माइनस वी एस कॉस 60 degrees एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज ए वी आर, दिस इज ए वी एस कॉस 60 degrees, वी एस स्विमर का है 10 meters per second एंड कॉस 60 half, दिस इज द 5 meters per second, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ द फ्लो जो हो जाएंगे, दिस इज द 5, इंटीजर आपको प्लॉट करना है 5 meters per। लॉजिक क्या हो गया कि भाई अगर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी कैंसिल हो जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और तो जो भी कंपोनेंट बचेगा वो तो सीधा चला जाएगा, तो दिस इज, अगर इसमें नहीं पूछा, अगर पूछता व्हाट इज टाइम टू क्रॉस द रिवर तब कितना हो जाता, मान लीजिए इसका विड्थ रिवर कर रहा था, तो टाइम में क्या आप ले लेते हैं, विड्थ ऑफ रिवर और यही वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट वी कॉस 30, मतलब वी एस एस स्विमर है वी एस कॉस 30, नहीं पूछा, लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अगर पूछता टाइम कितना है तो दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर और उस रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का क्या कंपोनेंट है, वी एस कॉस 30 है और ये क्रॉस कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट्स, जरा उस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, फोकस क्वेश्चन है, आईआईटी 2021 17 मार्च के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। वेलोसिटी इज गिवन विद रिलेशंस ऑफ टाइम टी वेयर वी नॉट जी एंड एफ ऑल दीज आर कॉन्स्टेंट्स। चलिए, कहता है टाइम टी इक्वल टू जीरो द पोजिशन, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो द पोजिशन ऑफ द गिवन पार्टिकल इज एट ए जीरो, देन फाइंड द पोजिशन, उसी पार्टिकल की पोजिशन को लोकेट कीजिए कब, जब ए टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड है। इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछ सकता है,
जरा सा हम लोग देखें कैसे बनाएंगे इसके आंसर्स के लिए। अगर वेलोसिटी दिया है आप आसानी से लिख सकते हैं dx बाई dt, इसलिए कि आपका टारगेट है डिस्प्लेसमेंट निकालने का। और अब ये क्या हो गया, v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब आप यहाँ पर क्या कीजिएगा कि जिस इक्वेशंस को लिए हैं dt को आप साइड कर दीजिए और dx को अलग कीजिए ताकि आप इंटीग्रेशन कर सकें। तो v नॉट dt प्लस जी डी डी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब आप लोग इसको इंटीग्रेट करना है, कॉन्स्टेंट को आप लिमिट के बाहर ले लीजिएगा और इंटीग्रेट कीजिएगा। यहाँ पर टाइम टी इक्वल टू जीरो है, ये टाइम टी जीरो है, ये टाइम टी जीरो है, उस टाइम टी जीरो पर पोजीशन भी जीरो है। अब आपके सामने क्या पूछता है कि जब टाइम टी इक्वल टू वन सेकेंड हो उस समय पोजीशन, लेट अस सपोज एट टाइम टी इक्वल टू वन सेकेंड पोजीशन इज एक्स, सिंपल दिस इज एक्स माइनस जीरो, दिस इज वी नॉट इंटू टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, लिमिट पुट कीजिए जीरो टू वन जी टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट पुट कीजिए जीरो टू वन, यहाँ पर एफ टी क्यू बाई थ्री, लिमिट पुट कीजिए जीरो टू वन। अब आपका आंसर क्रिस्टल क्लियर हो गया, वी नॉट इंटू टी, टी की वैल्यू उसको वन लीजिएगा, जी बाई टू, टी की वैल्यू को वन पुट करेंगे तो वन का क्यू माइनस जीरो का क्यू, सो दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। यहाँ पर टी की वैल्यू को वन पुट करना है तो वी नॉट जी बाई टू प्लस एफ बाई थ्री आ जाएगा, यहाँ पर टी भी डिलीट हो जाना है, वन सेकेंड आ जाना। नेक्स्ट, यस माई डियर स्टूडेंट्स, जरा क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। आई टी 2021 के मेन्स में फर्स्ट सीटिंग में है और ऐसे ही क्वेश्चन पिछले सालों में भी आया हुआ है, मैं ये भी आपको जानकारी दे देता हूँ, आपकी उसकी डिटेल में बता दूंगा बाद। अभी क्या है कि इस क्वेश्चन पर जरा फोकस कीजिए, एक्चुअल क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या कहा गया है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए पोजीशन, लेट अस सपोज दिस इज कॉल्ड यू एंड इट इज ए जीरो, इट एक्सीलरेट्स फॉर सम टाइम, कितना देर तक के लिए ये नहीं दिया, बट इट एक्सीलरेट फॉर सम टाइम एंड रीचेज टू बी पोजिशन, आप देख सकते हैं कुछ दूरी तक आया है बी पोजिशन से, देन इट अगेन डिसीलरेट्स, मतलब उसके ऊपर ब्रेक लिया, एंड आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स फाइनली विथ रिटार्डेशन या डिसीलरेशन बीटा, एंड टोटल जर्नी टाइम इज ए टी, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जर्नी टाइम इज ए टी, देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड टी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी जीरो है। इसे बनाने के दो अलग अलग तरीके हैं, मैं दोनों आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले मैं बिना ग्राफ के बता रहा हूँ, एक लीनियर मोशंस के तरह बता रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मोशन के तरह बता रहा हूँ, और दूसरे में मैं ग्राफिकली प्लॉट करूँगा। लेट अस सपोज यहाँ से एक्सीलरेट करता है और यहाँ के बाद से ब्रेक लेगा, तो ये पोजीशन पर भी मैक्सिमम पार्टिकल या बॉडी अटेंड कर लेगा इस पोजीशन पर, और उसके बाद फिर ब्रेक लगेगा तो रिटार्डेशन, मतलब पीछे की ओर है और इधर एक्सीलरेशन था, इधर रिटार्डेशन है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया। अब आपके पास है टोटल टाइम आपका दिया हुआ है टी, लेट अस सपोज दिस टाइम इज ए टी वन एंड दिस टाइम इज ए टी टू, ये तो मान सकते हैं ना कि जब तक रिटार्डेशंस है वो टी टू टाइम है और जब तक एक्सीलरेशन है टी वन टाइम है, तो व्हाट इज द वी मैक्सिमम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो जीरो, एक्सीलरेशन अल्फा और टी वन है, कैन यू फाइंड टी वन, यस दैट इज ए पॉसिबल, वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई अल्फा इक्वेशन वन, ओके वेरी फाइन, कैन यू फाइंड दैट मच ऑफ ए डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, यस दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, वो कितना हो जाएगा, एक बार मैं वी मैक्स लूंगा, यहाँ पर ये स्टार्टिंग वेलोसिटी और वो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, तो हम लोग इसे लिखें वी फाइनल इक्वल टू यू प्लस बीटा टी, ये मैं लिखता हूँ। अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, आप देख सकते हैं जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी खुद भी मैक्स है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, और आप रिटार्डेशन से इसके निगेटिव आइए, और ये बच्चे टाइम क्या है टी टू है, सो कैन यू फाइंड दिस टी टू, यस वाई नॉट, दिस इज द वी मैक्स डिवाइडेड बाई बीटा, ओके दिस इज द इक्वेशन। नाउ वन थिंग इज ए गिवन, क्या दिया हुआ कि टी वन प्लस टी टू इक्वल टू टी टोटल, और ये क्या है हम नहीं जानते थे, डेटा है, ये डेटा हमने एज्यूम किया, लेकिन दिस इज गिवन, तो क्यों ना हम इसका यूज कर लें, यस, तो व्हाट इज टी, दिस इज टी वन प्लस टी टू, वेरी फाइन, टी गिवन है, इसको रहने देना, इसको कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करना, और इसको हटाइए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग, वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई अल्फा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टी मैक्सिमम की जगह पर वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई बीटा, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हो गया स्पष्ट रूप से कि आपके पास V मैक्सिमम का क्लियर कट आइडिया हो गया, व्हाट इज द V मैक्सिमम, V मैक्सिमम को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा एंड दिस इज इक्वल टू T,
इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या हो सकता है, वी मैक्सिमम टेक इट अल्फा बीटा एंड दिस इज अल्फा बीटा इक्वल टू टी। सो ज़रूरत के मुताबिक हम वी मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, दैट इज टी अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। हालांकि ये पूछा नहीं है लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट दायरा है। अब आपके पास वी मैक्स आ गया, अब आप क्या कीजिएगा, लेकिन आपको तो टोटल डिस्टेंस पूछा ना, तो अगर इस डिस्टेंस को x1 मान लें, इस डिस्टेंस को s2 मान लें, तो सर्टेनली वी कैन फाइंड s1 एंड s2। किस टर्म में, अरे भाई वी के टर्म में, वी मैक्सिमम के टर्म में। चलिए s1 निकालना है, यहाँ पर पहला टारगेट हुआ s1, एक्सीलरेशन में। s1 कैसे निकालेंगे, अब आप देख सकते हैं s1 निकालने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना था, क्यों ना हम लोग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर का पुट करें, तो दिस इज द वी, वी मैक्सिमम का स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू जीरो प्लस टू एक्सीलरेशन अल्फा इंटू एस वन। मैंने क्या लिया, वी स्क्वायर इक्वल वी स्क्वायर, ये वाला लिया वी मैक्सिमम का स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब इसकी जीरो प्लस टू अल्फा इंटू एस वन। तो यहां पर आपको कोई डाउट नहीं है, आसानी से निकल गया एस वन इक्वल टू क्या हो गया, वी मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू अल्फा। उसी तरह से अगर आपको मैं यहां से यहां तक का एस टू पूछूं तो क्या होगा, वो भी निकाल सकते हैं। इस बार फाइनली जीरो है तो फाइनली जीरो हो गया, वी मैक्सिमम का स्क्वायर हो गया माइनस टू बीटा इंटू एस टू हो गया। सो वॉट इज एस टू बच्चे लोग, एस टू इक्वल टू हो जाएगा वी मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू बीटा। एस वन एस टू आ गया और वी मैक्सिमम आपको पहले से आ चुका है, अब आपका टारगेट क्या है, एस वन एस टू बताना है, तो जरा सा एस वन एस टू को बता दीजिए, एस वन एस टू कितना हो जाएगा, एस वन और एस टू कीजिएगा तो वी मैक्सिमम का स्क्वायर टू अल्फा, वी मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू अल्फा प्लस वी मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू बीटा। वी मैक्सिमम को आप बाहर ले लीजिए कॉमन और टू भी ले लीजिए, अब क्या हो जाएगा, वन बाई अल्फा वन बाई बीटा। अब वी मैक्सिमम स्क्वायर का जगह पर आपका वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है वी मैक्सिमम, यस टी अल्फा बीटा, अल्फा उसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, टी स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा से एक अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा से एक अल्फा बीटा। अब आपके पास क्या आ गया, टी स्क्वायर अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज योर आंसर। इसमें आपके पास एक टू भी यहाँ पर छूटा हुआ है तो एक टू भी आ जाएगा, यस टी स्क्वायर बाई टू अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज योर आंसर। आप आंसर को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे किताबों में या बहुत सारे तरीका में इसे अल्फा बीटा प्रोसेस के तरह बताया गया, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ढंग से बताया, आप उनमें से किसी भी स्टेप को मेमोरी करने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कभी कभी इसको और ईजी वे में भी बनाया जा सकता है, कैसे, ये देखिए आपका शुरू में अल्फा है और ये लगातार कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन है, तो आप पहले ग्राफ को ऐसे कीजिएगा, ग्राफिकल मेथड, मेथड टू, भाई मैं इसे भी लेता हूँ और इसे टी लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या है एक्सीलरेशन है, कितना एक्सीलेशन है, अल्फा एक्सीलेशन है, और यहाँ पर बच्चे रिटार्डेशन है, इस टाइम को टी वन लीजिए और इस टाइम को टी लीजिए और इसको बी मैक्सिमम लीजिए, यहाँ पर कोई आपसे दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आपको अच्छी तरह से जानिए कि अगर आपके पास वी टी का एरिया निकाल लीजिएगा, है ना, वी मैक्सिमम तो आपको मैंने बता ही दिया कि वी मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, यहाँ से आपके पास आ जाएगा। कहिएगा कि नहीं हमको इसके मेथड से बताना है, तब कैसे बताएंगे, आप इससे भी फॉलो ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं बताइए, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी वी मैक्सिमम माइनस जीरो मतलब वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टी वन, ये आपके पास आ गया। यही चीज़ देखिए आप लोग यहाँ भी हम लोग निकाले थे, वी मैक्सिमम यहाँ पर से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा वी मैक्सिमम, उसी तरह से बीटा क्या हो जाएगा बच्चे लोग वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई टी टू, बाकी और प्रोसेस तो जानते हैं कि अगर इसका एरिया ले लेंगे वी मैक्सिमम यहाँ से निकाल लीजिए T1 प्लस T2 इसको निकल जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो हमारे पास T आ जाएगा, और जैसे ही इसका लेते हैं वी टी का एरिया तो सीधा और सीधा तरह से डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, तो एरिया ऑफ ए वेलोसिटी ग्राम वेलोसिटी ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, आसानी से निकल जाएगा। तो ये दोनों तरीका को आप यूज़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, और इसकी खासियत क्या है, देखिए दो दो बार क्वेश्चन आई टी में है,
इस साल 2021 के आईआईटी को 18 मार्च के सेकंड शिफ्ट में आया, 2021 के और 2005 के आईआईटी में भी सेम क्वेश्चन, सेम डाटा, सेम ग्राफ क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है कि इसकी इंपॉर्टेंस है। और जरा सा ध्यान से देखिए, इससे पहले भी जो क्वेश्चन मैं आपको करा था वो भी आपका वेलोसिटी और पोजीशन पर था, और ग्राफ आपको क्या प्लॉट करना है, यहाँ भी क्या करना है, एक्सीलरेशन और पोजीशंस का चार ग्राफ में से आपको चूज करना है कि कौन सा होगा। मतलब कुल मिला के अगर ये कहा जाए कि कभी भी वेलोसिटी और पोजीशन दिया हुआ है तो एक्सीलरेशन पोजीशंस को हम तुरंत बता सकते हैं। चलिए मैं पहला मेथड बताता हूँ। दरअसल इस मेथड को गौर कीजिए, मैं इसे फर्स्ट मेथड का नाम देता हूँ, मेथड वन। दो दो मेथड से मैं आपके सामने इसे बनाने की कोशिश करूँगा। पहला मेथड वन क्या है कि भाई आप इसका इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, और आगे बढ़ जाइए। इक्वेशन लिखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी है, पोजीशंस हैं, और इंटरसेप्ट है, ये जीरो है तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, तो दिस इज जीरो है, और ये स्लोप है। यहाँ पर वी को रहने दीजिए, स्लोप क्या है, इज इट पॉजिटिव और निगेटिव, निगेटिव स्लोप है ना, क्योंकि अगर आपका स्लोप अगर इस साइड जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा ये एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है, तो ये लाइन नीचे की ओर हो गया, स्लोप निगेटिव हो गया। कितना निगेटिव स्लोप है, आप इस निगेटिव स्लोप को ले लीजिए, दिस इज ए वी नॉट डिवाइडेड बाई एक्स नॉट, तो दिस इज द वी नॉट एक्स नॉट विथ निगेटिव स्लोप, एक्स इक्वेशंस की वेरिएबल हो गए और ये वी नॉट हो गया, दिस इज द इक्वेशंस ऑफ ए लाइन, ये तो आ गया। यहाँ पर आपका एक्सीलरेशन नहीं निकला है, अब क्या कीजिएगा, आपको एक्सीलेशंस की रिक्वायरमेंट और पोजीशन से है, आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एंड डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, दिस इज अ वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है वो जीरो हो जाएगा, दिस इज एक्सीलरेशन, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, और सभी लोग जानते हैं डी एक्स बाई डी टी भी होता है, और भी के जगह पर मैं इसके बेसिक इक्वेशन को पुट कर सकता हूँ, वो बेसिक इक्वेशन क्या है, वी नॉट एक्स नॉट एक्स प्लस वी नॉट, ये आपके पास आ गए ये पूरे। अब आपको क्या है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस है, तो ये वी नॉट का स्क्वायर और ये एक्स नॉट आ जाएगा, एंड दिस इज द एक्सीलरेशन, यही मेन चीज है, और यहीं पर खेल खत्म भी हो गया। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन पोजीशन, एक्सीलरेशन पोजीशन इज अगेन स्ट्रेट लाइन, इसकी स्लोप क्या है, तो स्लोप इज ए पॉजिटिव, इसकी इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट इज ए निगेटिव। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, कौन सी ग्राफ प्लॉट कीजिएगा, आप ऐसे आ जाएंगे, सबसे बात है कि इसकी एक्स की वैल्यू को जीरो पुट कीजिए, जैसे ही जीरो पुट कीजिएगा तो इंटरसेप्ट क्या आ गया, निगेटिव, और ये निगेटिव कितना है, वी नॉट का स्क्वायर एक्स नॉट, ये निगेटिव, एंड स्लोप इज ए पॉजिटिव, और कितना स्लोप है, वी नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर के साथ ये ऊपर चला जाएगा, ये पॉजिटिव स्लोप है, तो इसकी पॉजिटिव स्लोप हो गया। इस तरह से हमने देखा कि एक्सीलरेशन और पोजीशंस की ग्राफ आ गई और आपने बढ़िया से प्लॉट कर लिया। अब आपको मैं वो बताता हूँ कि इसके दूसरे तरीका क्या होगा, जो मैं आपके साथ अभी बता रहा था कि एक मेथड टू भी होगा, जरा सा मेथड टू देख लीजिए, जो आपको इजी लगे उससे फॉलोअप कीजिए। आपके पास ये होता है ना, एक्सीलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यस, तो आप क्या कीजिए, डी वी बाई डी एक्स कर दीजिए और डी एक्स बाई डी टी कर दीजिए, यस, अब क्या कीजिएगा, डी वी बाई डी एक्स कर दीजिए एंड डी एक्स बाई डी टी इज द वेलोसिटी, यस, सो दिस एक्सीलरेशन कैन फर्दर बी रिटन डी वी बाई डी एक्स इंटू वी, अब इसकी यूज कर लीजिए, ये तो बहुत स्टैंडर्ड है, फॉर्मूला भी है। अब आपके पास क्या है, डी वी बाई डी एस, ये स्लोप है, ये स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव है बच्चे लोग, तो स्लोप इज ए निगेटिव, इस केस में क्या दिया हुआ, स्लोप निगेटिव है, तो ए आ जाइए निगेटिव, आ जाइए। दूसरी बात क्या है कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर थोड़ा देखिए, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी क्या है, स्लोप निगेटिव हो गया, तब क्या हो गया, दिस इज द निगेटिव, और डी वी बाई डी की इसमें देखिए कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, दिस स्लोप इज ए कांस्टेंट, तो डी वी बाई निगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है इनटू वी, तो ये कैसा इक्वेशंस हो गया, एक किस बात पर निर्भर करता है, वी पर है, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन भी है, और आप देख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव पुट किए, और जरा सा वी को चेक कीजिए, भी की हर वैल्यूज को आप चेक कीजिएगा, वैल्यू डिक्रीजिंग क्रम में जा रहा है, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव पुट कीजिएगा और एक्सीलरेशन आ जाएगा। चलिए अब मैं इसको जरा दूसरी तरफ से देखता हूँ, डी वी बाई डी एक्स का क्या, आप किसी भी पॉइंट पर का आपका एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, कैसे, डी वी बाई डी एक्स का यहाँ से आ जाइए, एक्सीलरेशन का डी वी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चे लोग, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट है,
और ये वैल्यू क्या आ गया, भी यहां से आ गया ना, डी वी बाई डी एक्स के जगह पर स्लोप ऑफ द लाइन कितना स्लोप है, वी नॉट बाई एक्स नॉट, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और भी अब आपका भी का इक्वेशन यहां से आप पुट कर दीजिए तो फिर आपके सामने आराम से इक्वेशन आ गया। ठीक है, भी इसका केस में क्या आता आता है, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं वी की वैल्यूज को आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट करते जाइए और वहां पर आपका आंसर आता जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। अब एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है विद इनिशियल स्पीड 5√2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। पूछता है व्हाट इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम व्हेन द सेम बॉल या सेम पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, उस समय चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि देर इज ए नो चेंज ऑफ वेलोसिटी इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसके पीछे रीजन क्या है कि देर इज ए नो चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो गया, इसलिए व्हाट इज द चेंज ऑफ ए लीनियर मोमेंटम along the x direction, that is zero. Now, what is the change of a linear momentum along the y direction? This is equal to linear momentum along the y direction, नीचे की ओर अभी जा रहा है, इसलिए डाउनवर्ड में निगेटिव ले लीजिए, एम वी कौन सी वैल्यू, जो ये कंपोनेंट जा रहे हैं आपके पास वी वाई, यहाँ से जो y डायरेक्शन का है माइनस, दूसरा क्या हो जाएगा एम वी वाई आ जाएगा इसकी वैल्यू, यहां पर से जिस वेलोसिटी से ये फेंका है उसी लेवल पर उसी वेलोसिटी से आएंगे, इसलिए मैंने दोनों को यहां पर आप चाहिएगा तो एम वी वाई है और इसे चाहिएगा तो वी यू लिख लीजिएगा, लेकिन आप इस बात को अच्छी तरह से जानिए वी वाई इज इक्वल टू वी यू इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि एक ही लेवल पर है, जिस लेवल पर वो फेंके हैं उसी लेवल पर आएगा तो ये वेलोसिटी सेम हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगा, तो यू साइन 45 है इस दिशा में क्या हो जाएगा यू साइन 45 इन ए रिवर्स डायरेक्शन। सो व्हाट इज द चेंज इन ए लीनियर मोमेंटम अलोंग द वाई डायरेक्शन, माइनस टू एम आपके पास हो जाएगा वी वाई या यू वाई जो भी ले लीजिए माइनस टू, एम की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस मास इज 5 × 10⁻³ kg। ओके, नाउ व्हाट इज द वी वाई वेलोसिटी, 5√2 × sin 45 डिग्री, क्योंकि ये साइन 45 है, साइन 45 1/√2, ये √2 से √2 कट गया, 5 × 2 = 10 हो जाएंगे और 10 से ये कटेगा तो 5 × 10⁻², विथ नेगेटिव साइन, अगर हम इसकी सिर्फ मॉड ही ले लें तो लीनियर मोमेंटम का हो जाएगा 5 × 10⁻², बाकी आपका वैल्यू से मैच करा केजी मीटर पर सेकेंड तो यूनिट रहेगा ही केजी मीटर पर सेकेंड, 10⁻²² और 10⁻², यहाँ पर मैच कर गया 5 और 5, सो एक्स इज इक्वल टू 5 एंड हिंस योर आंसर इज 5। नेक्स्ट यस माई डियर स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन पर देखिए 2016 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, वेलोसिटी इज गिवेन अलोंग द 3 डिफरेंट डायरेक्शन सच दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम डिपेंडेंट 0.5t² 3t एंड 9ijk मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपसे पूछता है कि वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशंस ऑफ द मॉस्क्यूटो, जबकि ये मोशंस का नेचर क्या है, तो इट मूव्स विद अ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कब पूछता है एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अब आपका लॉजिक क्या होगा कि भाई एक्सीलरेशन निकाल लीजिए टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड और उससे आपका डायरेक्शन निकल जाएगा, व्हाट इज दिस एक्सीलरेशन 0.5 × 2t एंड दिस इज द आई, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे लोग 3t का डिफ्रेंसिएशन खत्म हो गया जी और कॉन्स्टेंट है तो 0 हो गया, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज ए टाइम डिपेंडेंट है, अब ये टाइम कहता है टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो इसे 5 × 2 = 10 हो जाएगा और यहाँ पर टी की वैल्यू 2 पुट कीजिएगा तो 2i हो जाएगा प्लस 3j हो जाएगा, वॉट इज दिस, दिस इज द एक्सीलरेशन कब की बात है वेन टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड, अब बच गया इसकी डायरेक्ट किस प्लेन पर आ गया, ये मॉस्क्यूटो का जो पार्टिकल मूव कर रहा है ij प्लेन पर एक्सीलरेशन है, अब इस एक्सेलेशन के डायरेक्शंस को तय कीजिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आई मतलब एक्स एक्सिस और जे मतलब वाई एक्सिस, तो ये 2 डायरेक्शंस हो गया, ये आप आई ले लीजिएगा और ये जे ले लीजिए, आई का कोऑर्डिनेट 2 लेना है और जे में कितना लेना है 3, मतलब ये 2 है और ये 3 है, दिस इज ऑफ कोर्स आई एंड दिस इज जे, सो व्हाट अबाउट दिस, दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ एक्सेलरेशन एंड सो व्हाट इज दिस एंगल अल्फा, अल्फा किससे पूछता है वाई एक्सिस से कितना होगा और एक्स एक्सिस से कितना होगा, तो अगर 10 ले लें 10 अल्फा ले लें एक्स एक्सिस से तो हमारे पास आता है 3/2, इसलिए अल्फा की वैल्यू एक्स एक्सिस से कितना हो जाएगा 3/2, लेकिन अगर हम वाई एक्सिस से निकालें तो क्या हो जाएगा, इससे निकालें तो ये आपके पास अल्फा है इसको बीटा ले लीजिए,
तो व्हाट इज टैन बीटा, वाई एक्सिस से ले लेंगे तो 2/3, क्यों, ये हो जाएगा आपके पास उसका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, तो 2/3। सो व्हाट इज बीटा, टैन इनवर्स 2/3 किससे निकालना है, फ्रॉम वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस की एक्सीलेशन की डायरेक्शन, या यूं कह लीजिए मॉस्किटो के मूवमेंट की डायरेक्शन हो गए एक्सीलेशन के क्रम में, तो टैन इनवर्स 2/3 फ्रॉम द वाई एक्सिस है और ये एक्स वाई प्लेन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी 2021 को 16 मार्च के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, क्या कहता है, ए बॉडी या पार्टिकल मूव्स एंड हैज द मास 2 kg अंडर द एक्शंस ऑफ ए फोर्स एंड दिस फोर्स इज ए थ्री डायमेंशनल फोर्स 2i + 3j + 5k N। इनिशियली द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एट 0 0 0, दैट इज एट ओरिजिन, टाइम t इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज एट इनिशियली कह रहा है, एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज ऑल्सो 0। कहता है आफ्टर ए टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड द पार्टिकल वॉज लोकेटेड और फाउंड टू बी एट दिस पोजिशन 8 meter, b अननोन 20 meter, मतलब y कोऑर्डिनेट अननोन है, बाकी x और जेड कोऑर्डिनेट आपका नोन है। तो पूछता है कि व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ ए बी, इंटीजर टाइप है, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू आपको पुट करना है। हम समझते हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि पोजीशन बी आपका मिसिंग है और सारा डाटा दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस का प्रयोग कीजिएगा आंसर आ जाएगा। कैसे, ये चेक कीजिए आंसर, मैं आपको कहां से मूवमेंट दिलाऊं कि सबसे पहले एक्सीलरेशंस ले लीजिए और वो एक्सीलरेशंस कितना हो जाएगा, यहां पर फोर्स डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा। अगर फोर्स को मास से डिवाइड कीजिएगा 2 से तो ये आ जाएगा i + 3/2, दैट इज j, एंड ऑफ कोर्स 5/2, एंड दैट इज ऑफ कोर्स k। तो दिस इज द एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास से डिवाइड कर दिए, मास 2 kg था। अब क्या बात है भाई, इनिशियल पोजीशन इसका 0 है और टाइम t भी 0 है, b क्या होगा, तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन अलोंग y डायरेक्शंस कितना है, इस क्वेश्चन के मुताबिक 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला टर्म हमने ले लिया। टाइम कितना है, दैट इज द 4 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना है, 0 है। अब आपके पास पूछता है वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इससे सवाल आपका क्या इजी हो सकता है, एस वाई का फॉर्मूला पुट कीजिए, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, एस वाई दैट इज बी है, इसी की वैल्यू निकालना, यू वाई स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, ओरिजिन ही है, हाफ ए वाई 3/2 है और टाइम टी इक्वल टू 4 सेकेंड 16 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 4 = 16 एंड दिस इज द 12, सो बी इक्वल टू 12, नियरेस्ट इंटीजर डिजिट को पुट कर सकते हैं, एंड सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, आईआईटी 2021 का 16 मार्क के सेकेंड शिफ्ट की क्वेश्चन है, रिवर एंड स्विमर की प्रॉब्लम्स हैं, और मैं समझता हूं कि ये उस ग्रुप कैटेगरी में ईजीएस क्वेश्चन सेट है। क्या क्वेश्चन सेट है, कि देयर इज अ विड्थ ऑफ ए रिवर, इसे आप डब्लू मान लीजिए, कहता है कि स्विमर कैन स्विम विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर या ऑन द स्टिल वाटर 12 km/h डेटा के मुताबिक, एंड द वेलोसिटी ऑफ द रिवर अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ द फ्लो इज इक्वल टू 6 km/h। Then, what should be the angle with the direction of river flow? River flow का direction कौन है? This is the river flow. तो river flow के direction से कितना swimmer angle बना के swim करेगा कि it reaches to the just opposite side of the bank, अपने को इस position पर लाता, opposite side. And let us suppose it makes an angle 90 + θ, आपके पास पूरा एंगल तो पता नहीं, तो 90 हो गया, एंड लेट अस कंसीडर फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, दोनों के साइड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ये थीटा बनाता है, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 90 + θ। ओके, नाउ दिस इज द डायरेक्शन, सो अब ये थीटा है तो ये बच्चे लोग कितना हो जाएंगे, दिस इज 90 - θ, कंपोनेंट ले लीजिए, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी कॉस 90 - θ, दिस इज 12 sin θ, और ये वाला क्या हो जाएगा, 12 cos θ। उस स्विमर का लेफ्ट साइड का कंपोनेंट वेलोसिटी 12 sin θ और रिवर का कितना डायरेक्शन से 6 km/h, अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, जो मैंने इससे पहले भी प्रॉब्लम से बताया, और ये सीधे अपोजिट इंड की ओर चला जाएगा। फॉर स्विमर टू रीच अपोजिट साइड अब आपके पास क्या होगा,
12 साइन थीटा इज इक्वल टू 6, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन 30 डिग्री एंड सो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। सो अगर इस एंगल को अल्फा मान लें डायरेक्शन ऑफ फ्लो से, तो अल्फा इक्वल टू 90 प्लस थीटा एंड दैट इज 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। Of river. Next, yes, my dear students, उस क्वेश्चन को देखिए, 2019 की क्वेश्चन से, second 12 अप्रैल second shift की क्वेश्चन से क्या कहता है? The particle is moving along the x-axis, x positive axis, such that its speed v is equal to b root x, where b is the positive constant and x is the position, and it moves along the x positive directions. किस कंडीशंस में है ये भी दिया हुआ है, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट जीरो। कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, अब इसकी स्पीड क्या होगी व्हेन टाइम टी इक्वल टू टाउ। अगर टाइम के टर्म में दिया रहता तब तो आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू को पुट करके और वेलोसिटी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं किया गया है, तब आप केस में कैसे कीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ। क्या निकालने के लिए पूछ रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट ए गिवन टाइम टी। अब आप कहाँ कीजिए आंसर में आ जाइए। इस केस में आप ये ध्यान दीजिएगा कि वी और एक्स के पोजीशन में अगर दिया हुआ है तो आप उसको स्क्वायर कर दीजिए। अब आपके पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स हो गया। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स आप जानते हैं, इसलिए इसको आप चाहिएगा तो रिलेट कर सकते हैं, जीरो का स्क्वायर प्लस टू इंटू बी स्क्वायर बाई टू इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। इससे आपके क्या मिल गया कि ये वी से वी मिल गया, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, जीरो का स्क्वायर हो गया, और ये बी स्क्वायर एक्स था, ये भी बी स्क्वायर एक्स है। अब आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कंपेयर कीजिए तो क्या होता है, टू ए एक्स, इससे ज़रा कंपेयर कीजिए, ये भी इनिशियल वेलोसिटी इसमें क्या हो गया, जीरो, जो पहले ही कंडीशन में दिया हुआ है। एक्स के जगह पर एक्स है और टू ए के जगह पर कितना दिया हुआ, बी स्क्वायर, तो ए के जगह पर कितना हो गया आपके पास, बी स्क्वायर बाई टू, चूँकि टू के जगह पर टू और एस के जगह पर एक्स है, तो ए के जगह पर बी स्क्वायर बाई टू। सो अंडर कंपेरिजन हमने उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में डिराइव कर लिया और ये आ गया एक्सीलेशन। पूछता है व्हाट इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। अब आप आ जाइए, व्हाट इज द वेलोसिटी, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। अब आपके पास एक्सीलरेशन आ चुका है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सीलरेशन बी स्क्वायर बाई टी, और कब टाइम पूछता है, टाउ टाइम पर, सो वेलोसिटी इक्वल टू बी स्क्वायर टाउ बाई टू। तो बहुत ईजिली आपने इसे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से आपके लिए अच्छा सीख देगा। यहाँ पर क्या कहता है कि ए पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेकिन ये सिर्फ वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी नहीं है, बट देर इज एयर रेसिस्टेंस, और उस एयर रेसिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर कहते हैं ड्रैग रेसिस्टेंस या ड्रैग फोर्स होता है, एंड दिस ड्रैग फोर्स इज ए गिवन मास गामा वी स्क्वायर का मल्टीपुल आता है, मास एम है, गामा कांस्टेंट है, वी इज द वेलोसिटी एट दैट टाइम, जिस समय जो वेलोसिटी है उसके हिसाब से ड्रैग फोर्स लगता है। अगर वी जीरो है तो ड्रैग फोर्स जीरो, और वी मैक्सिमम है तो ड्रैग फोर्स मैक्सिमम हो गया। यहाँ कहता है, अब कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन, और उस हाइट में वह कितना टाइम लगता है, तो हाइट तो नहीं पूछा, व्हाट इज द टी मैक्सिमम, दैट इज टाइम फाइंड, मैक्सिमम टाइम जिसे ऊपर तक जाने में लगेगा निकालना। आंसर्स में आ जाइए, यहाँ पर क्या है, ध्यान देने याद है कि ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये जो पार्टिकल्स है इस पर दो दो फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन फोर्स लग रहे हैं, एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा है और एक ड्रैग फोर्स लग रहा है, दैट इज एम गामा वी स्क्वायर। सो व्हाट अबाउट द एक्सीलरेशंस, कितने हो जाएंगे, अगर मैं इसकी एक्सीलरेशंस की बात करूँ तो माइनस फोर्स ग्रेविटी फोर्स ड्रैग डिवाइडेड बाई एम। अगर उसके हिसाब से करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जी प्लस गामा इंटू वी स्क्वायर। हमने इस बात को ध्यान से आपको बता दूं कि ये पार्टिकल को ऊपर फेंका गया है विथ ए वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी, और जो ऊपर जा रहा है उसको मैंने पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव अपवर्ड है, तो डाउनवर्ड क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, इसीलिए एक्सीलरेशन निगेटिव गामा प्लस गामा वी स्क्वायर है। अब आपके पास क्या है कि टॉप पर वेलोसिटी इसकी कितने हो जाएंगे, जब ये टॉप पर पहुंचता है तो वेलोसिटी बच्चे लोग कितने हो जाते हैं, जीरो, ठीक है ना। तो इसी बात को दीजिएगा, लेट द टॉप वेलोसिटी जीरो एंड द टाइम देयर इज टी, तो जो टी निकल जाएगा आ जाइए। तो हमारी वेलोसिटी के संदर्भ और टाइम संदर्भ है, इसलिए एक्सीलरेशंस को आप क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी, और इस जगह पर आपके पास आ जाएगा माइनस जी प्लस
गामा भी स्क्वायर। टाइम निकालना सेपरेट कीजिए और वेलोसिटी को एक तरफ कीजिए। अब आपके पास क्या हो जाएगा, डी वी हो जाएगा विथ जी हो जाएगा एंड गामा भी स्क्वायर हो जाएगा। और उस साइड आप ले सकते हैं माइनस डी टी, माइनस साइन को छोड़ दीजिए और डी टी आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर, यह पास आ गया। अब इस इंटीग्रेशंस में क्या लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि हमें फिनाइट वैल्यू पुट करना है टाइम का। तो कहता है जब टाइम टी इक्वल टू जीरो है उस समय उस वेलोसिटी को हमने कितने वेलोसिटी से फेंका, वी नॉट से। अब जबकि वो टाइम का आंसर हम टी मान लिए हैं, तो लेट अस सपोज वी इक्वल टू टॉप पर पहुंच गया और वो जीरो हो गया। तो जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, वी नॉट है, और जब टाइम टी है वो निकालना है तो वो टॉप पर पहुंच चुका है। अब इसको इंटीग्रेट करने की बच गया बारी। कैसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चे लोग, यहाँ पर आ जाएंगे। डी वी है और गामा है, हम इसमें से चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि इंटीग्रेट कर सकें। वी स्क्वायर है तो आप एक काम कीजिए, गामा को बाहर ले लीजिए। जैसे ही आप गामा को बाहर लेते हैं तो ये टर्म क्या हो जाएगा, मैं इसे ज़रा सा आपके सामने आ रहा हूँ। डी वी को लीजिए, मेरे पास एक गामा को हटा दीजिए, तो गामा को हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन बाई गामा का। इसको जरा सा तर्कपूर्वक ये देखिए कि मैंने इसको गामा इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और गामा डिवाइड कर दिया। अब यहाँ भी गामा है, गामा है, गामा बाहर आ जाएगा, तो गामा बाहर, सॉरी गामा बाहर है। अब आपके पास क्या बच गया, इस केस में क्या बच गया, जी बाई आर बच गया, जी बाई आर। और यहाँ बच्चे लोग क्या बच गया, वी स्क्वायर बच गया, और यहाँ पर गामा सेपरेट हो गया। और इंटीग्रेशन भी करना है और लिमिट है वी नॉट टू वी है, लेकिन मेरा काम अभी भी नहीं बना, इसका होल स्क्वायर चाहिए था ना, तभी तो मैं ये कह सकता था कि डी एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना। अभी इसको होल स्क्वायर है तो ये तो कोई भी लोग कर सकता है, इसको स्क्वायर रूट करके स्क्वायर कर दीजिए। अब आपके पास पूरे के पूरे आ गया। और इधर क्या आ गया, मेरे पास डी टी को इंटीग्रेट करेंगे टी आएगा, टी माइनस जीरो माइनस टी आ गया। अब जो भी दार मदार है इसी के ऊपर आपके पास है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आप भी जरा सा फोकस किए रहिएगा। वन बाई गामा, गामा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। डी वी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, जरा सा मैं आपको यहाँ लिख दूँ कि कभी भी डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना रहेगा तो क्या कीजिएगा, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो दैट इज द फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रेशन है, डी एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का वन बाई ए टेन इनवर्स, इसी फॉर्मेट पर आपको करना है। तो यहाँ पर डी वी के जगह पर तो डी वी को आप रहने दीजिए। इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक एक करके कीजिए, वन बाई ए वन, ए के जगह पर क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म है ए पूरा के पूरा जी अंडर रूट जी बाई आर हो गया, ये आ गया, इसको कॉमन ले लिया। अब क्या करना, वन बाई ए की तो बात हो गई, टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स की बात कीजिए एक्स बाई ए, एक्स क्या है भी और ए क्या है गामा बाई आर अंडर रूट, और इसकी लिमिट क्या क्या पुट करेंगे, तो एक लिमिट आपका वी नॉट पुट करेंगे पूरा, इसको भी कॉन्स्टेंट को बाहर कर लीजिए, इसको भी कांस्टेंट को बाहर करते हुए अब इसकी लिमिट वी नॉट से जीरो तक पुट करेंगे। एक बार वी नॉट है और जीरो है। अब इसको सिंप्लीफाई करें बच्चे लोग तो ये आ जाएगा आपके पास वन जी आर आ गया, यहाँ ये तो खत्म हो गया। टेन इनवर्स है तो इसकी लिमिट को जरा सा पुट कीजिए, टेन इनवर्स एक बार वी के जगह पर जीरो, चूंकि वेरिएबल क्या है वी है, तो एक बार वी के जगह पर जीरो पुट करेंगे टेन इनवर्स पूरा के पूरा जीरो टर्म आ जाएगा, इसकी बात ही छोड़ दीजिए। माइनस टेन इनवर्स अब की बार वी नॉट पुट करना है तो अब की बार क्या आ जाएगा, वी नॉट डिवाइडेड बाई जी बाई आर अंडर रूट आ जाएगा। ये टेन इनवर्स जीरो इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं, जी बाई आर, टेन इनवर्स जीरो का मतलब जीरो होता है, तो ये टर्म आ जाएगा माइनस, और माइनस और ये भी माइनस आपके पास था डी टी की माइनस, चूँकि ये सभी आपके पास टी वी आर है विथ निगेटिव साइन, माइनस टी निगेटिव, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा ये वाला। अब आपके पास क्या बचेगा, टेन इनवर्स वी नॉट और आर बाई जी, आपके जी बाई आर को रहने दीजिए, एंड दैट इज योर आंसर टाइम टी इक्वल टू। अब उसी के हिसाब से अगर मैच करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, अगर बहुत लोग इसको लिखना चाहेंगे तो आर बाई जी के भी फॉर्मेट में लिखेंगे और तब आपका आंसर मैच करेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, कहता है कि ये बॉब है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है 5 माइक्रो कूलम का, एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक लाइट स्ट्रिंग के सहारे सस्पेंड किया गया है, एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एंड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज ए फोर्स, एंड दिस फोर्स को मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स कहता हूँ, एंड दिस इज क्यू ई, और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करेगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड हो गए। ओके,
देयर इज अनदर फोर्स विच विल एक्ट टुवर्ड्स द डाउनवर्ड एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए सर्किल. और ये एम जी करेगा, मास इसका 2 ग्राम, 2 × 10⁻¹⁰ हो गया किलोग्राम में. तो कहता है वॉट द एंगल डज द स्ट्रिंग मेक्स फ्रॉम द वर्टिकल. तो ये वर्टिकल हो गया बच्चे लोग, इससे कहता है कि ये स्ट्रिंग कितने एंगल बनाएंगे, और ये दोनों पैरेलल हैं तो ये थीटा है तो ये भी थीटा बनाएंगे. सो दैट इज द थीटा. अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, और अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑन ए प्लेन एट ए पॉइंट पर है, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी जीरो एंड सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी जीरो. इस लॉजिक से अगर ले ले ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएंगे, और इस पर टेंशन को अगर टी मान लें इस स्ट्रिंग पर तो टी कॉस थीटा एक कंपोनेंट एम जी के बराबर और टी साइन थीटा क्यू ई के बराबर. तो पहला फोर्स मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व किया एंड दिस इज द क्यू ई, और दूसरा फोर्स को अगर वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे स्ट्रिंग फोर्स का तो ये कॉस हो जाएंगे टी कॉस थीटा एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू एम जी. सो दीज आर द टू डिफरेंट फोर्सेस. अब आपको वर्टिकल से एंगल निकालना है न कि टेंशन निकालना है, तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए, और अगर टेंशन निकालना रहता तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. डिवाइड करने पर टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाई एम जी. ऑल डेटा आर गिवन. क्या क्या दिया हुआ, क्यू यहाँ से ले लीजिए 5 माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ एसआई यूनिट कूलम होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज गिवन 2000 एसआई यूनिट में ही दिया हुआ वोल्ट पर मीटर, इसे नहीं चेंज करा. मास 2 ग्राम है, इसको मैंने एसआई यूनिट में अगर कन्वर्ट कर लिया -3 हो जाएगा. -3 और ये 3 + 4 और ये पूरे सेटअप कट जाएंगे, 2 से टिक कट जाएंगे. अब आपके पास कितना बच जाए, अब मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाते हैं मेरे पास में 0.5 आ जाते हैं. और अगर मैं थीटा की बात करूँ तो 10 inverse 0.5 एंड दिस इज योर आंसर. यस माय डियर स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन पर जरा सा गौर कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. क्या कहता है, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज स्पेसिफाइड एंड लेट अस सपोज दिस पोजीशन इज ए हुज कोऑर्डिनेट इज 2i + 4j. तो ये एक आपको 2 डायमेंशनल प्लेन में रखा गया ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन दे रहा है इन आपके ओरिजिन के कंटेक्स्ट में दे रहा है 2 0 and 4 i meter per second. एट टाइम टी इक्वल टू जीरो लेट अस सपोज द पार्टिकल हैज ए इनिशियल वेलोसिटी 5i + 4j meter per second. इट इज एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड ड्यू टू दिस फोर्स एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 4i + 4j meter per second square. मतलब प्लेनर मोशन का क्वेश्चन है. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में पार्टिकल की पोजीशंस क्या होगी. तो ये सिंपल है कि फॉर्मूला किससे रिलेटेड है, पोजीशन से. एस इक्वल टू नॉर्मल फॉर्मूला क्या लेते हैं, ut + ½ at² होता है. ये कब लेते हैं, जब हमने ये मान के चलते हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए 0 0 पोजीशन से. लेकिन इसकी इनिशियल पोजीशन स्पेसिफाइड है, इसलिए बेटर होगा कि आप इसकी इनिशियल पोजीशन को दे दीजिए. ऐसा करने से क्या हो गया, जब आप टाइम टी को 0 पुट करते हैं तो ऑटोमेटिक एस इक्वल टू एस आई ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा. और अगर कोई टाइम पर निकालना है तो उस टाइम को निकाल देंगे तो एस हम करस्पॉन्डिंग टू टाइम टी निकाल रहे हैं, और ये एस आई क्या है, इनिशियल पोजीशन. और यही आंसर हो गया. नाउ व्हाट इज एस आई, उसकी इनिशियल पोजीशन की कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 4.0j, ये पोजीशन हो गया. नाउ व्हाट इज द यू, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ये आपका दिया हुआ है. दिस इनिशियल वेलोसिटी 5i + 4j. एंड वॉट इज द टाइम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इट इज 2 meter 2 second. एंड देर आफ्टर देर इज एन एक्सीलरेशन. वॉट इज दिस एक्सीलरेशन, ऑलरेडी गिवन 4 + 4, तो 4i + 4j. एंड देर आफ्टर टाइम का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा. इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ये कैसे कर लेंगे, ये 2 से ये 2 कटता हुआ 2 आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चे लोग, तो ये क्या आ गया 2i + 4j यहाँ पर आ गया, प्लस उसे कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10i + 8j आ गया आपके पास. और इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो बच्चे लोग क्या आ जाएगा 8i + 4j आ गया. ये पोजीशन आपका है, सॉरी 8i + 8j आ जाएगा, यहाँ j भी ना 2 से मल्टीप्लाई हो गया 8i + 8j. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास क्या पोजीशंस आता है, 10, 12 और 8, 20i.
और जे को करते हैं तो 8 16 + 4 20 जे। तो ये हमारे पास आ गया पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड इन ए वेक्टर फॉर्म। लेकिन अगर ये क्वेश्चंस में स्केलर पूछा है तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड में, ये आपके पास आ जाएगा 20 स्क्वायर + 20 स्क्वायर अंडर रूट, ऑब्वियसली 20 कॉमन आ जाएगा, रूट 2 मीटर पोजीशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया है। 2019 9 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में लिए थे। क्या कहता है कि इन ए कार रेस ऑन ए स्ट्रेट पाथ, तो एक कार रेस होने जा रहा है ऑन ए स्ट्रेट पाथ, दो कार पार्टिसिपेंट है, कार ए एंड कार बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो गया। एट टेक्स ए टी टाइम्स लेस देन, इसमें कहता है कार ए टेक्स ए टाइम टी लेस देन द कार बी। मान लिया जाए कार बी का स्पीड यहां तक आने में कैपिटल टी टाइम लगा कार बी को आने में, तो कहता है कार ए के पास टी समय लेस निकलता है तो टी माइनस टी, दिस इज द टाइम टेकन बाय द कार ए टू कंप्लीट द जर्नी। कितना टाइम, इसके टाइम से जो भी मानेंगे तो टी क्या है, अननोन हो गया यहां पर, टी अननोन है। हमने एज्यूम किया कि बी को कंप्लीट करने में कैपिटल टी टाइम लगता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उससे टी समय स्मॉल टी गिवन है टी, तो टी इज नोन, तो यहां पर टी क्या है बच्चे में, नोन है आपके पास। इस डाटा को हमको रखना है ओके। एंड उसके बाद कहता है बी एट द फिनिश लेस देन द कार बी एट द फिनिश, फिनिश के समय में, एंड पासिस द फिनिशिंग पार्ट विथ स्पीड भी मोर देन द कार बी। अगर कार बी का स्पीड को हम फिनिशिंग करने में भी जीरो ले लें तो कहता है कि उससे थोड़ा सा ज्यादा, कितना ज्यादा, तो वो भी ज्यादा है, क्योंकि ये जल्दी से ये जल्दी पास किया है तो उसकी स्पीड इसके तुलना में तो जल्दी होगा ही ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, देखो बच्चे ये लेट से गया और ये तेज से गया, तो फिनिशिंग में किसका ज्यादा स्पीड होगा, जो तेज से गया इसके कंपेरिजन में इससे ज्यादा, कितना डिफरेंस है, ये वी नॉट है तो ये वी नॉट प्लस वी। तो कहता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा इसमें एक बात और भी दिया हुआ है, बोथ द कार मूव्स विद ए यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, एक का A1 है और दूसरे का A2 है, ताकि आप लॉज ऑफ मोशन के सारे इक्वेशंस को यूज कर सके। देन एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन वी A1 A2 एंड T, ये चार फैक्टर्स में, इसमें अननोन कौन कौन सा है, मैंने इसमें एक दो अननोन मान लिया, एक T अननोन मान लिया, एक V अननोन मान लिया। तो अब आप जो भी इक्वेशन लिखेंगे इसमें दोनों को इलिमिनेट करना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर मोशन ए, मोशन ए पर आ जाइए। जैसे ही मोशन ए को आते हैं तो दो बात को ध्यान दीजिएगा, एक पोजीशन के संदर्भ में कुछ हिंट कर रहा है कि बोथ हैव ट्रेवल्ड द सेम स्टार्टिंग और फाइनल, फिनिशिंग डिस्टेंस तो रेस में सेम ही होता है ना, तो दोनों का सेम है, S1 S2 क्या है, इक्वल है। तो यहां पर एक लॉजिकली क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि S1, तो जो भी इक्वेशन लिखेंगे S1 S2 का लिखेंगे और उसे इक्वेट कर देंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा। दूसरी बात, एक अननोन तो सॉल्व हो जाएगा यहां से आ गया। दूसरा क्या कहता है कि दोनों के फिनिशिंग टाइम का रिलेशन दिया हुआ है और फिनिशिंग वेलोसिटी का भी रिलेशन दिया है, तो यहां से भी एक इक्वेशन आ जाएगा। उन दोनों बातों को मानते हुए मैं जरा आपके सामने एनालाइज करता हूं। तो मोशन कार ए का लेते हैं, कार ए का फाइनल वेलोसिटी आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, V0 + V, दिस इज द फाइनल। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, बोथ स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। अब उसके बाद क्या है, V = U + A, एक्सीलरेशन ए एंड टाइम, व्हाट इज द टाइम, T - T। बहुत आराम से आप इसे फॉलो अप कर सकते हो, इट्स ओके। अब आपके पास ये एक इक्वेशन हो गया। व्हाट अबाउट दिस कार बी को ले लें, तो मोशन ऑफ कार बी, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से समझ सकते होंगे। वी नॉट, इसको वी नहीं जोड़ना है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, एक्सीलरेशन इसका भी है और इसकी टाइम टी हो गया। ये इक्वेशन 1 बना, ये इक्वेशन 2 बना। मैं चाहता हूं इस दोनों से एक इलिमिनेट करते हुए कॉन्स्टेंट आ जाए, इस वी नॉट को इलिमिनेट कर दें तो क्या करें बच्चे लोग, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया, V0 + V - V0 गेटिंग कैंसिल। अब आपके पास है पहले ये है तो A1 ले लीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी कर दीजिए, -A1 T कर दीजिए, और इसे सब्ट्रैक्ट किए है ना, तो इसमें क्या कीजिएगा, -A2 T कर दीजिए। मेरा लक्ष्य क्या है, V0 को तो मैंने इलिमिनेट कर दिया, अब मेरे लिए एक झंझट का बात है कि ये कैपिटल टी आ गया, अब इसको इलिमिनेट करने का सोचते हैं। कैसे इलिमिनेट करेंगे, अभी तो कुछ मेरे पास नहीं नजर आ रहा है, मैंने एक काम किया, V + A1 T को इस साइड कर दिया, अच्छी बात है, इस टी को मैं अलग कर दिया, A1 - A2
और ये टी को अलग कर लिया और इक्वेशन तीन दे दिया। अब मेरे पास ये वाला तो सब आंसर में, इसी को तो आंसर लिखना है, सिर्फ कैपिटल टी को हम नहीं चाहते हैं। अब कैपिटल टी के लिए मेरे पास दूसरा हिंट कौन सा दे रहा है कि भैया दोनों का फिनिशिंग डिस्टेंस सेम है, तो जरा एस वन का इक्वेशन लिखिए तो क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट जीरो प्लस हाफ, तो हाफ तो आएगा ही, एक्सीलरेशन ए वन आएगा और टाइम कितना लिया, ए के लिए लिख रहे हैं ना, इसके लिए टी माइनस टी का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। दूसरा आपके पास एस टू कितना आ जाएगा, इसको भी लेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, हाफ हो जाएगा बच्चे को, ए टू आ जाएगा और इसके लिए टाइम कितना इसको लगा है टी, तो इसकी भी टाइम का स्क्वायर आ जाएगा। मैं इसे फोर और फाइव मानूँ तो आप भी ये समझ रहे होंगे कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस दोनों को इक्वेट करके आप एक बार आ जाइए। अब आप जैसे ही इस दोनों को इक्वेट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, हाफ ए वन, हाफ ऑफ भी कैंसिल हो जाएगा, अब आपके पास आ गया ए वन इंटू टी माइनस टी का स्क्वायर इक्वल टू ए टू टी स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। मैंने क्या किया, एस वन और एस टू को इक्वेट कर दिया, हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, ए वन टी माइनस टी का स्क्वायर ए टू टी स्क्वायर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँ, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ये ए वन हो जाएगा और ये टी माइनस टी हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा रूट ए टू हो जाएगा। मैं इसमें से टी निकाल के पहले वाले में पुट करने का सोच रहा हूँ, तो ये टी क्या हो जाएगा ए टू ए वन दोनों का स्क्वायर रूट ले लीजिए और ये टी उसमें ऐड हो जाएगा, मेरा काम अब ख़त्म हो गया, बहुत ईजी हो गया। क्या बच्चे लोग किसमें पुट कर देंगे, तो मैं आपको पहले ही हिंट किया था, ये जो इक्वेशन मेरे पास है जिसमें टी मेरे लिए दिक्कत दे रहा था, इसे इक्वेशन सिक्स मान लीजिए और सिक्स को कहाँ पुट कर दीजिए, इन इस इक्वेशन में थ्री। अब इस थ्री में आप पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी प्लस ए वन इंटू टी इक्वल टू ए टू ए वन माइनस ए टू ए वन माइनस ए टू, और ये कैपिटल टी के जगह पर इसको पुट कर दीजिएगा ए टू ए वन प्लस टी। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और गेटिंग द आंसर है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए आसानी से आपके पास आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ कर दीजिए ताकि आपके पास सॉल्व हो जाए। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा इसमें, आ जाएगी रूट ए वन ले लीजिए और इसकी एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए वन से कट गया तो ए वन माइनस ए टू रूट ए टू प्लस रूट ए वन इंटू टी आ गया, और यहाँ पर बच्चे लोग क्या हो गया वी प्लस ए वन इंटू टी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको आप कर सकते हैं, चूंकि आपने एलसीएम ले लिया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, इस साइड हो जाएगा वी रूट ए वन प्लस ए वन रूट ए टू इंटू टी, इसको एक्सटेंड कीजिएगा ए वन रूट ए टू माइनस ए टू रूट ए टू प्लस रूट ए वन इंटू टी। इसका एक्सप्लेनेशन जैसे ही आप इसे करते हैं तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, ए वन ए टू दोनों का रूट एंड टाइम टी आ जाएगा। इसको आप एक्सप्लेन कीजिए, यहाँ से ही बहुत सिंपल हो जाता है, आप जरा सा गौर कीजिएगा, जैसे ही आप इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपका यहीं पर आंसर आ गया, यही टर्म से आपका आंसर है, सिंपल एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या है, भी आपके टर्म में आंसर लिखना है, ए वन ए टू लिखना है और टी भी लिखना है, चारों के टर्म में आंसर है। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पर भी जरा गौर कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है। क्या कहता है कि ए पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम द हाइट ऑफ ए टावर, तो ये हमें टावर का एक फिगर बना दिया, कहता है यहाँ से एक पार्टिकल फेंका गया है विद इनिशियल स्पीड यू एंड इट रीचेज द मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट, उस मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा कि भाई वहाँ पर जाके तो ये रुक जाएगा एंड देन इट रिटर्न्स बैक, यहाँ पर आ गया। द हाइट ऑफ ए टावर, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द हाइट ऑफ ए टावर इज नोन एंड दिस हाइट इज एच एंड द इनिशियल स्पीड इज ऑल्सो गिवेन, द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अप एंड एट द टॉप पर क्या है कि दिस वेलोसिटी इज जीरो, ये भी वेलोसिटी मैं जानता हूँ कि टॉप पर जीरो हो जाएगा। कहता है टाइम टू रीच एट द टॉप, जब टॉप रीच पर पहुँचता है उस टाइम का, और जब ये बॉटम पर जाता है तो उस टाइम का टी वन मान लें तो ये एन टी हो जाता है। तो वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एच एंड यू, ऑफकोर्स जी एन और एन ऑल्सो बी इन्वॉल्व अकॉर्डिंग टू द चॉइसेस। चलिए इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि यू से फेंके हैं और टॉप पर गया तो ये टॉप टाइमिंग कितना लगेगा, तो मैं सबसे पहले लेता हूँ केस वन,
इस केस वन में क्या कह रहा है, फाइंड टाइम, आपको लियर निकाल रहे हैं फाइंड टाइम, वह टाइम कितना लगेगा जो वो टॉप पर चला जाएगा। कौन सी फॉर्मूला बच्चे लोग, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, तो मैंने बताया जिधर पत्थर जाता है उधर आप पॉजिटिव ले लीजिए, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, जी हो जाएगा। टॉप पर वेलोसिटी जीरो है और आपने इनिशियल वेलोसिटी को यू से ही लिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो और ये टाइम टी है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशंस रेदर टी इक्वल टू यू बाई जी। अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस टाइम का। और दूसरा कहता है कि वो टाइम क्या है, टी वन इक्वल टू एन इन टू टी, तो दूसरा टाइम आप ऑटोमेटिक पुट कीजिएगा, टी वन का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा, एन, एन तो रहेगा ही, और उसके जगह पर टी के जगह पर इसको पुट कर दीजिएगा यू बाई जी, तो आपका ये टाइम का झंझट ही खत्म हो जाएगा। अब आइए सेकंड क्वेश्चन, भैया टोटल टाइम कहता है एन टी है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है। केस टू में आ जाइए, केस टू का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये यहाँ पर है और फाइनली ये डाउन यहाँ पर आता है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल और स्टोन दैट इज इक्वल टू, नीचे जाने वाले को मैं क्या ले लेता हूँ, क्योंकि ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव लिए तो नीचे जाने वाले निगेटिव है, तो ये डिस्प्लेसमेंट एच हो गया, एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में माइनस जी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी तो यू है ही, अब इसको टाइम भी आपके पास आ गया कितना है, ये टाइमिंग टी वन एन यू बाई जी। चलिए अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, इनिशियल वेलोसिटी यू है, आप फेंके हैं पॉजिटिव है, टाइम टी ये वैल्यू आप पुट कीजिए एन यू बाई जी, ठीक है, प्लस तो प्लस दीजिए, हाफ दीजिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी दीजिए, एंड टाइम का स्क्वायर कीजिए टी का, आप क्या कीजिएगा एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी कीजिएगा। अब यहाँ से आपको सिंप्लीफिकेशंस करना है, इसी टर्म में किसी टर्म को इलिमिनेट करना नहीं है चूंकि आपको इसी टर्म में पूछा गया है। अब आप आ जाइए माइनस एच को रहने दीजिए, यहाँ पर यू दो बार है तो दिस इज ए यू स्क्वायर एंड दिस इज जी, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये जी जी कैंसिल होता हुआ, माइनस क्या बचेगा एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी, एन स्क्वायर यू स्क्वायर रहेगा एन स्क्वायर यू स्क्वायर, यहाँ पर आपका इसको स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर यू स्क्वायर जी स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर यू स्क्वायर जी माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर टू जी हो गया, इसमें से ज़रा कॉमन ले लीजिए एन स्क्वायर टू, मैंने इसे एक मल्टीप्लाई कर दिया और एक डिवाइड भी कर दिया ताकि टू लेने में मैंने, तो एन यू स्क्वायर बाई टू जी, एन यू स्क्वायर बाई टू जी ले लिए, मेरे पास क्या बच गया टू माइनस एन बच गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इस साइड क्या हो जाएगा टू जी एच विथ निगेटिव साइन को अगर हटा दें हम लोग तो उस साइड क्या हो जाएगा एन यू स्क्वायर एन माइनस टू एंड दिस इज योर आंसर्स, टू जी एच को इधर कर दिए निगेटिव साइन हो गया एन यू स्क्वायर और इसका रिवर्सल हमने कर दिया, सो दिस इज योर आंसर एंड सो द आंसर मस्ट बी सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन को देखिए आईआईटी 2004 के क्वेश्चंस आए हुए हैं, काफ़ी पहले के क्वेश्चंस हैं, लेकिन जरा गौर कीजिए क्या कहता है कि टू डिफरेंट केसेस आर टू बी स्टडीड ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन विच इज स्मूथ, क्या कहता है कि ए ब्लॉक इज अलाउड टू फॉल ऑन ए इंक्लाइंड स्मूथ सर्फेस विद इनिशियल वेलोसिटी जीरो एंड इट रीचेज टू द डाउन वाटर, क्या टाइमिंग लेता है, टाइमिंग लेता है n माइनस वन से टाइम n तक, मतलब यहाँ तक का टाइम नहीं ले रहा है, यहाँ तक के टाइम को मान लीजिए n टाइम लगा, ठीक है ना, और दूसरा एक टाइम ले लिया n माइनस वन, टाइम का दो लिमिट हो गया, एक n टाइम ले लिया और उससे n माइनस वन, तो ये वाला डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा एस एन एथ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द लास्ट वन सेकेंड, और उसी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टाइम इंटरवल क्या है n से एक पहले तक का n माइनस वन, सो द डिस्टेंस ट्रेवल इज ए एन एथ सेकेंड, उस एन एथ सेकेंड का क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, तो दिस इज ए यू प्लस ए बाई टू एंड टू एन माइनस वन, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द एन एथ सेकेंड हो गया। ठीक, यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, डाउन द इंक्लाइन लेंगे तो a इक्वल टू जी साइन थीटा, जिसकी जरूरत पड़ने पर मैं पुट कर दूंगा, लेकिन जी साइन थीटा को अभी a मान लिया, इट्स ओके, सिंपल इक्वेशन। अब क्या कहता है इसमें कि फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द एस एन टू ड्यूरिंग एस एन प्लस वन, मतलब अगले एक सेकंड से, जैसे अब आपके पास क्या टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा एन प्लस वन मैक्सिमम हो गया टू एन सेकंड, इसको हम लोग क्या कहेंगे एस एन प्लस वन एन एच सेकंड,
तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एस एन एथ हो गया, और ये क्या हो गया, एस एन प्लस एनथ सेकेंड, मतलब क्या हो गया, उस एन से एक आप ज़्यादा चले गए और उससे एक पीछे चले गए, तो एक ज़्यादा जो चले गए वो क्या हो गया, एन प्लस वन, और जो उससे पीछे चले गए तो ऑटोमेटिक हो गया एन। सो वॉट इज दिस डिस्टेंस, अब की बार आपसे कहता है एक सेकेंड बढ़ा के का रेशियो लेना है, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम है टू, यहाँ पर n के जगह पर क्या पुट करेंगे, n प्लस वन माइनस वन, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ दिस टू विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो अब आपके पास क्या कहता है, एस एन एथ, हालांकि सिंबल में एस एन का प्रयोग किया है लेकिन उसकी मीनिंग वही है, n प्लस वन एन एथ का। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये दोनों खत्म, दोनों को डिवाइड करेंगे, a का रेशियो खत्म, बच्चे क्या बच गया, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, टू एन प्लस टू, तो 2n प्लस टू माइनस वन, अब ये क्या आ गया, 2n माइनस वन, एंड दिस इज 2n प्लस वन, सो योर आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आईटीजेई के एडवांस में पूछा गया 2016 के क्वेश्चन हैं। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज ए टाइम डिपेंडेंट, क्या कहता है, अल्फा टी स्क्वायर आर, तो यहाँ पर आप ले लीजिए पोजिशन वैक्टर का दिया हुआ है अल्फा टी स्क्वायर आई टी क्यू आई प्लस बीटा टी स्क्वायर जे, बीटा एंड टी स्क्वायर जे, दिस इज दिया। अल्फा की वैल्यू 10/3 है और बीटा की वैल्यू 5 है, एंड द मास ऑफ द पार्टिकल इज 0.1 kg है। इस डाटा को ध्यान में रखते हुए एट टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड वेलोसिटी को चेक कीजिए। बहुत आसान सी बात है, dr by dt इज नथिंग बट वेलोसिटी वेक्टर, और अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 3 अल्फा t स्क्वायर प्लस 2 बीटा t, एंड ऑफ कोर्स इट इज i यूनिट वेक्टर एंड j यूनिट वेक्टर। इसको जरा सा चेक करें, 3 अल्फा इक्वल टू 10/3 टाइम t 1 का स्क्वायर i प्लस 2, बीटा इज इक्वल टू 5 यस, एंड टाइम t इक्वल टू 1, एंड दिस इज j। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, 10i प्लस 10j मीटर। अगर हम लोग मिलाएं मैच कराएं तो फर्स्ट ऑप्शन 10i प्लस 10j इज द करेक्ट आंसर, सो ए चॉइस इज द करेक्ट आंसर। मोर देन वन आंसर करेक्ट है यहां पर, मोर देन वन करेक्ट, मतलब मल्टी करेक्ट आंसर है इसमें। अब आप आइए दूसरा को चेक कीजिए, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन कहता है, तो एंगुलर मोमेंटम कहाँ दिक्कत है, एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर फॉर्म में, दिस इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी, ये हम लोग लेते हैं, या I ओमेगा भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर I एम आर भी है चूंकि यही फैक्टर डाटा दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज द M वैल्यू, ऑल टाइम गिवन है, M को अभी रहने दिए बाद में पुट कर देंगे, R की वैल्यू कितना है, पोजिशन वैक्टर आपके पास ये है, टाइम को ले लीजिएगा 1, टाइम को जैसे ही 1 पुट करते हैं तो अल्फा आपके पास आता है, अल्फा क्या है बच्चे लोग 10/3, और ये तो खत्म हो गया, आई हो गया, यहाँ बीटा भी आपका कितना है 5 है, तो बीटा को 5 पुट कीजिए, बीटा 5 है, और टी 1 है तो 1 भी खत्म हो गया, और ये जे है तो जे। मैंने क्या किया यहाँ पर कि एंगुलर मोमेंटम है, मास की भी वैल्यू को पुट कर ही दिया, मास कितना दिया हुआ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मास इज 0.1 kg, इस 0.1 को भी पुट कर दीजिए। यहाँ पर मैंने पोजिशन वैक्टर को इस बात को अल्फा का भी और टी का भी वैल्यू पुट कर दिया, तो 10/3 आई प्लस 5j आ गया। क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर आपके पास अभी अभी निकाले हैं हमने, क्या आया है 10i + 10j, तो दिस इज 10i + 10j, पुटिंग ऑल द डेटा जो हमने रिक्वायर्ड था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत सिंपल से हम लोग कर सकते हैं, 0.1 को रहने दीजिए, आई क्रॉस आई हम लोग जानते हैं कि वो 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे जरूर बचेगा वो के हो जाएगा, आई क्रॉस जे आई जे के, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 100/3 k, और ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यहाँ तक आएगा। उसके बाद आइए सेकेंड टर्म को, जे क्रॉस आई अगर लेते हैं तो माइनस के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 50k हो जाएगा, 50k हो जाएगा, और जे क्रॉस जे का वैल्यू तो 0 हो ही जाएगा, यहाँ तक आ गया। इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10/3 आ जाएगा, और उधर क्या आ जाएगा -5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाता है, सॉरी यहां पर 5k आ गया है, इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो मेरे पास बच्चे लोग कितना आ जाता है 15, और 10 हो जाएगा तो मेरे पास आ गया -5/3k।
और ऑप्शंस में क्या दे रहा है, 5/3k, मतलब माइनस के कारण ये मैच नहीं कर पाता है, तो आंसर को मैं सही मानते हुए इसे कैंसिल कर देता हूँ कि दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो एंगुलर मोमेंटम का ये चॉइस नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तीसरा चॉइस को भी चेक कर, जब तक आप सबको चेक नहीं कर लेंगे फाइनल आंसर आप नहीं कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, सी फोर्स। अब सी को मैं चेक करता हूँ, कैसे चेक करूँ, फोर्स है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चे लोग, मास इनटू एक्सीलरेशन, सिंपल बात है। नाउ एक्सीलरेशन यू आप नहीं जानते हैं, लेकिन आप वेलोसिटी वेक्टर को आप जानते हैं, ये वेलोसिटी आया था, मास 0.1 को रहने दीजिए यहाँ पर, ठीक है, और जरा एक्सीलरेशन को टाइम पुट करने के पहले डिराइव कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आ जाएगा 6α, यहाँ से आ गया 3×2=6α, आई तो रहेगा ही, एंड 2β, तो 2β रहेगा, और dt/dt लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो मेरे पास आ गया 3×6α t, और टाइम t इक्वल टू 1 है, 6α t को तो पहले पुट कर दीजिए, 6α t एंड 2β आ गया, मेरे पास ही आ गया एक्सीलरेशन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे लोग, तो कितना आता है, 0.1 को रहने दीजिए, 6 अल्फा की वैल्यू 10/3 एंड टाइम t इक्वल टू 1 है और ये i है और 2, और बीटा का वैल्यू कितना है, 5 है। इसको सिंप्लीफाई करना है, बीटा की वैल्यू यस 5 है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 6×3=2 आ जाएगा, 10 से ये घटेगा तो ये कितना आता हुआ, 2i+10j, यहाँ पर j भी आएगा ना, यस माय डियर स्टूडेंट, 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5×2=10, 0.1 से करेंगे 1 आ जाएगा, तो 2i+j न्यूटन मीटर आ गया। क्या ये आंसर सही है, नहीं, यहाँ पर भी i+2j है और ये 2i+j आ गया, 1 को हटा दीजिए, तो दिस चॉइस इज अगेन नॉट करेक्ट। तो ये तीसरा चॉइस भी आपके पास नहीं हो चुका। लास्ट चौथा है, जरा इसे भी चेक कीजिए, डी को टॉर्क कहता है, टॉर्क, यस फोर्थ चॉइस कहता है, टॉर्क की वैल्यू भी बताइए कितना आता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पोजिशन वैक्टर आर एंड द फोर्स वैक्टर एफ। यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि सब एक दूसरे से लिंक है, गलती से भी आपने अगर फोर्स को गलती कर दिए तो टॉर्क का भी वैल्यू गलती हो जाएगा, उसी तरह एंगुलर मोमेंटम में भी अगर गलती किए तो एंगुलर मोमेंटम गलत हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को लिंक कर रहा है। पोजीशन वेक्टर आप ले लीजिए यहाँ से, आप पुटिंग टी का वैल्यू को 1 पुट कर दीजिए, तो ये बहुत आसान हो गया, 10/3, चूंकि अल्फा का वैल्यू 10/3 आई, टाइम को हटा दीजिए, बीटा 5 है, टी को हटा दीजिए, 1 है तो हट ही गया, ये जे हो गया। नाउ व्हाट इज द फोर्स, अगर इस फोर्स की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट है, 2i+j है, जरा से इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आई और आई का तो कोई रोल ही नहीं है, 0 हो जाएगा, आई और जे को करेंगे तो के हो जाएगा, और वो कितना हो गया, 10/3k, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, जे और आई को करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे लोग, -10k, क्योंकि जे क्रॉस आई -k हो जाएगा, और जे और जे 0 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 30-20 -20/3k। नाउ व्हाट इज द आंसर, यस दिस टाइम दिस इज द करेक्ट वैल्यू, न्यूटन मीटर, फोर्स है तो यहाँ पर न्यूटन कर दीजिए, तो दिस इज द करेक्ट वैल्यू। सो अब इसमें से कौन कौन सही हो गया, आप देख सकते हैं चॉइस नंबर में आपके पास ए और डी इज द करेक्ट आंसर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर जरा फोकस कीजिए, कहता है कि 2014 की IITs की क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, कहता है देयर इज अ रॉकेट एंड दिस रॉकेट इज मूविंग इन ए ग्रेविटी फ्री जोन दैट इज इन ए स्पेस, ओके, इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द रॉकेट एज पर द क्वेश्चन 2 m/s². दिस एक्सीलरेशन इज मूविंग इन ए दिस डायरेक्शन, दिस इज द एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन, ओके। नाउ बॉल इज थ्रोन, जस्ट लाइक ए बॉल इज थ्रोन रिलेटिव टू द रॉकेट इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0.3 m/s, सो वॉट इज दिस यू ए विथ रिस्पेक्ट टू द रॉकेट एंड दिस इज 0.3 m/s। सिमिलरली अनदर बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द अदर एंड, इस एंड को बी एंड मान लीजिए, इस एंड को ए एंड मान लीजिए, तो बी एंड से रॉकेट के रिलेटिव में फेंका गया, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट एंड दिस इज इक्वल टू 0.2 m/s, दिस इज द रिलेटिव टू रॉकेट है, एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉकेट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 m, सो दिस एल लेंथ ऑफ द रॉकेट इज 4 m अलोंग द एक्स डायरेक्शन। नाउ क्वेश्चन में क्या कहता है, वेन दे कोलाइड ईच अदर, वेन द टू बॉल्स कोलाइड ईच अदर,
तो ये बात बहुत आसान सा लगता है, ऐसा एक मिनट में लगता है कि रिलेटिव वेलोसिटी से तुरंत बन जाएगा, लेकिन ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, एक एक बातों पर गौर करने का है। और इस बात को मैं गौर ऐसे कराता हूँ, आपका केस वन लीजिए। केस वन को इस बात को मानिए पहले बार में कि लेट अस अज्यूम द रॉकेट इज स्टेशनरी, अभी रॉकेट रुका हुआ है, वो ए एक्सीलरेशन है, इसको मैं नहीं लेता हूँ, और तब इस बॉल को मैं देखता हूँ कि इस बॉल से टकराने में कितना देर लगता है। तो केस वन में क्या माना, कंसीडर रॉकेट स्पीड और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जीरो। ये रॉकेट एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, मतलब एट रेस्ट पोजिशन पर है। रॉकेट को मैंने स्पीड एक्सीलरेशन जीरो मतलब कि ये रेस्ट पोजिशन पर हो गया। लेकिन हाँ, ये जो बॉल आपने थ्रो किया विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ये 0.3 मीटर और ये 0.2 मीटर है। सो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ ए एज ऑब्जर्व बाय बी बॉल, इस बी बॉल को ए बॉल कितना आता हुआ दिखाई देगा। तो दिस इज यू ए माइनस यू बी, यू ए का स्पीड कितना है 0.3 है, माइनस साइन पिट कीजिए, ये निगेटिव में है तो माइनस 2 पुट कीजिए, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। सो रिलेटिव स्पीड ऑफ ए बॉल ए एज ऑब्जर्व बाई द बॉल बी, इस छोर पर जो है ये इतना आ गया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इसलिए टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ कोलिजन, किस बात पर मान रहे हैं कि रॉकेट अभी स्टेशनरी में है, तो 4 डिवाइडेड बाई 0.5 दैट इज 8 सेकेंड, तो कोलिजन टाइम 8 सेकेंड हो गया। यस, अब आप दूसरी बात को चेक कीजिए, केस टू, यही कॉन्सेप्ट तो है, इसकी खासियत क्या कहता है कि अब यहां से ये मान लीजिए एक्चुअल केस हो गया। एक्चुअल केस क्या हो गया कि चलिए अब ये इंड जो है रॉकेट का, ये भी तो आगे बढ़ रहा होगा, ये थोड़ी रुका हुआ, चूंकि ये तो एक्सीलरेट कर रहा है, तो इस रॉकेट के इंड को, बॉल को छोड़ दीजिए, इस रॉकेट के ए इंड को उसके बॉल से टच करने में कितना देर लगता है, और कहीं उसका टाइम इससे शॉर्ट आ गया तो क्या होगा। फिर से सोच लीजिए, मैंने कहा कि ये जो इंड रॉकेट का है, क्या ये स्टेशनरी है, इन एक्चुअल केस नो, इट मूव्स विद एन एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस बॉल को ये इंड कितने देर में टच करेगा, वो टाइमिंग निकाल लीजिए। अगर वो टाइमिंग इस 8 सेकेंड से लेस आ गया, तो इस बॉल ए को उससे टकराने के पहले यही दीवार उस बॉल को खींचते हुए उससे टकरा देगा, मतलब ये वेलोसिटी अपना 0.3 मीटर पर सेकेंड नहीं चलेगा, बल्कि ये एक्सीलरेट हो जाएगा एक दीवार के साइड से और तब उससे जाके टकराएगा। अगर ऐसा होगा तो चलिए उसी चीज को चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ इंड ए ऑफ रॉकेट विथ बॉल बी, इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या लेना पड़ेगा, अब हमको देखना पड़ेगा बी बॉल को लेना पड़ेगा, तो क्या देंगे, सबसे पहले लेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रिस्पेक्ट टू बॉल, कौन सा बॉल, बी है, इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, यू वॉल माइनस यू बी बॉल का आ जाएगा, बी यू वॉल कितना है, अरे इसको तो हम लोग मान के चलते हैं इट स्टार्ट्स एक्सीलरेशन है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना ले लेंगे, जी है, एंड माइनस ऑफ माइनस ले लेना है, चूंकि ये पीछे की ओर जा रहा है तो माइनस 2 हो गया, इसकी कितनी हो गई स्पीड, 0.2 मीटर पर सेकेंड। चलिए व्हाट इज द एक्सीलरेशन, अगर एक्सीलरेशन की बात करें, वॉल इसका लेफ्ट एंड का विथ रिस्पेक्ट टू बॉल, तो ये भी क्या आ जाएगा, ए वॉल माइनस ए बी, ए वॉल कितना है, क्योंकि ये एक्सीलरेशन वॉल का और ये दोनों रॉकेट का तो दो ही है, माइनस ए बॉल का एक्सीलरेशन जीरो है, तो दिस इज द 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बी उसको कितना दूरी तय करता हुआ दिखाई देगा, तो दिस एस मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉल विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो एस डब्ल्यू माइनस एस बी, एस डब्ल्यू कितना दूरी है, 4 मीटर है, और ये बी कितना है, 0 है, दैट इज 4 मीटर। अब आपको टाइम निकालना है, कौन सी टाइम कैसे निकालेंगे, आइए यहाँ पर सिंपल बात है, एस रिलेटिव ले लेंगे इक्वल टू यू रिलेटिव हो जाएगा प्लस यू टी बी हो जाएगा प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। यू एस रिलेटिव कितना दूरी तय करना है, इसका 4 मीटर तय करना है, तो ये प्लस में आ जाइए, यू रिलेटिव कितना हो गया, आपने निकाल लिया यू रिलेटिव 0.2 आ गया, एंड टी आ गया प्लस हाफ, एक्सीलरेशन रिलेटिव कितना आया, 2 आया है, और टी नहीं जानते हैं, इसे सॉल्व करें, ये 2 से 2 कट गया, अब आपके पास क्या हो गया, टी स्क्वायर 0.2 टी इज इक्वल टू 4, इसे होल स्क्वायर कर लीजिए,
टी स्क्वायर 0.2 टी प्लस 0.1 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, यहाँ पर ले लेंगे तो टी प्लस 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 स्क्वायर मतलब 16 में 0.01 आ जाएगा, तो इसे अगर मैं लेता हूँ तो ये 16 आ जाएगा 4 का स्क्वायर, सॉरी या 2 की स्क्वायर, वेरी सॉरी, ये आपका होल स्क्वायर आ गया, दिस इज 2 का स्क्वायर 4, यस 2 का स्क्वायर ले लीजिए, क्योंकि उसका जो वैल्यू है 0.1 का स्क्वायर अगर मैंने यहाँ पर लिया 0.1 का, तो ये वैल्यू तो करीब 4 के तुलना में बहुत कम आ जाएगा, इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, 0.1 का स्क्वायर भी लेना है, तो आपके पास एक्चुअली ये पोजीशन था 4 है प्लस 0.1 का, इसको 0.1 को इसके तुलना में अगर नेग्लेक्ट कर दें तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यूज को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें टी, तो टी प्लस 0.1 यहाँ से आ जाइए, टी प्लस 0.1 स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेंगे तो मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया, सो व्हाट इज टी, 1.9 सेकंड। अब ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है इसलिए टाइम कितना ले लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकंड, क्योंकि ये क्वेश्चंस में इंटीजर टाइम है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इंटीजर में कंप्लीट इंटीजर पुट करना है तो 2 सेकंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पर जरा सा ये भी देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को इन करने के पहले कि पहला वाला में कितना समय लगा, 8 सेकंड, और इसमें कितना लगा, 2 सेकंड, तो कौन पहले टकराएगा, क्या ये बॉल उससे जाके टकराएगा या दीवार उसको खींचते हुए यहां पर ले आएगा, तो सेकंड चॉइस इज द करेक्ट, ये दीवार उसको खींचते हुए यहां तक ले आएगा और तब कोलाइड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हैं दिस इज ए एनालिटिकल क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, ITJEE के बहुत साल पहले पूछा गया था और ये पूरे 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, मतलब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तकरीबन आपके पास जो टाइम लिमिट था वो 10 मिनट से 20 मिनट तक का था, मान के चल सकते, क्योंकि उसमें 8 क्वेश्चन में ही पूरा सिलेबस था, 3 घंटे का 8 क्वेश्चन था, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को, समय सीमा की कोई कमी नहीं थी और ये बना सकते थे। क्वेश्चन क्या होता है, आप क्वेश्चन को बोर्ड पर देखिए, कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू मूव ऑन ए एक्स पॉजिटिव डायरेक्शंस विच इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू -k/2kx² वेयर के इज ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट 10^-2 न्यूटन मीटर स्क्वायर, मास इज 10^-2 kg SI यूनिट, यहाँ तक तो दिया हुआ। अब उसके बाद क्या कहता है, एट एनी टाइम टी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज 1.0 मीटर, तो हमने माना इस जगह को, लेट अस सपोज टाइम टी इक्वल टू 0 एंड इसी जगह का पोजिशन मान लिया कि 1.0 मीटर है, एक्स पॉजिटिव है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं इसमें क्या था कि जब भी आप किसी बॉल को एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में फेंके होंगे और फोर्स किधर लग रहा होगा, पीछे की ओर, तो पीछे की ओर फोर्स लगने से क्या होगा कि ये जो बॉल आगे की ओर मुड़ रहा जा रहा था, पीछे की ओर फोर्स लगने के कारण इसकी स्पीड घटता चला गया होगा एंड एट ए सर्टेन टाइम इट्स स्पीड बिकम्स 0। एट दैट टाइम, उसी टाइम को कहता है, एट टाइम दैट टाइम टी इक्वल टू 0 व्हेन द वेलोसिटी इज 0 द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द एक्स पॉजिटिव एक्सिस इज 1.0 मीटर, यहाँ तक है। अभी भी फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है, इसका मतलब है वेलोसिटी आफ्टर ए टाइम इंटरवल ग्रेटर देन 0 सेकंड वो पीछे की ओर जाएगा, तो जो भी वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नाउ अब पूछता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल हैज कम टू 0.5 मीटर, मतलब क्या हो गया, आपसे क्या जानने की क्या कह रहा है कोशिश कि कैन यू फाइंड ए रिलेशन से वी विद ए पोजिशन ऑफ एक्स, और वो अगर पोजिशन ऑफ एक्स आ जाता है तो उस एक्स की पोजिशन की आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा और आपका आसानी से निकल जाएगा कि वहाँ पर वेलोसिटी क्या। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन कहता है कि वॉट इज द टाइम टेकन, कब से, यहाँ से टाइम टी इक्वल टू 0 से ये टाइम आगे आप जाइए, कब, जबकि पोजीशन कितना हो जाए 0.25 मीटर, अभी तो यहाँ पर का पोजीशन क्या है 0.5 मीटर है, कहता है ये पीछे और जाएगा, और पीछे जाएगा, और ये पीछे कब कितना तक जाएगा, x इक्वल टू 0.25 मीटर पर अब टाइम क्या हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ तक पर लिमिट करता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिमिट करता है, और हाँ इस केस के लिए आपके पास क्या डाटा दिया हुआ, फोर्स इज इक्वल टू -k/2kx² -2 का मतलब है क्योंकि ये डिसेलरेटिंग फोर्स है, चलिए मूवमेंट स्टार्ट कर दीजिए। अब आपके पास क्या हो गया, सबसे पहले एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -k/2x² / m विथ निगेटिव साइन, माइनस को मैंने
अपनी जगह पर सस्टेन किया, ए टू के स्क्वायर है फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास यहाँ पर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस अपनी जगह पर के का वैल्यू 10^-2 डिवाइडेड बाई 2, एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए और एम की वैल्यू उसको पुट कर दीजिए 10^-2। सो व्हाट हैपेंड हियर, दीज टू पावर्स गेटिंग कैंसिल आउट, अब आपके पास क्या हो गया एक्सेलरेशन 1/2 और एक्स का पावर -2। इधर इसको हम लोग 0.5 भी कर ले, थोड़ा सा इजी लगता है, 0.5 एक्स का पावर -2 एक्सीलरेशन आ गया। अब आपको क्या निकालने कहता है, कहता है वेलोसिटी निकालिए किसी गिवन पोजीशन पर। क्लियर कट आइडिया दे दिया कि जब एक्सीलरेशन दिया हुआ है तब इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डी वी एक्स के फॉर्मेट में लिखना है तो हम लोग इसको एक्सीलरेशन को इस फॉर्मेट में लिखिए वी डी वी बाई डी एक्स। ये बहुत बार मैंने आपको बताया है, और उस जगह पर ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को लिख दीजिए -0.5 एक्स का पावर -2, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और ये टर्म खत्म हो गया आपके पास। अब आपको वेलोसिटी निकालना है तो ये दोनों वेलोसिटी को रहने दीजिए और पोजीशन टाइम को मैंने हटा दिया था, डी वी बाई डी टी न लिखते हुए वी डी वी बाई डी एक्स है। अब आपको सिंप्लीफाई करना है बच्चे, तो वी डी वी को यहाँ पर रहने दीजिए -0.5 एक्स का पावर -2 और डी एक्स है। इसको जरा सा पहले लिमिट बाद में पुट करेंगे, पहले इसका जरा सा इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट को देख के कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, पुटिंग प्रॉपर लिमिट, लिमिट बाद में पुट करेंगे, इनिशियल टू फाइनल दे दीजिए। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -0.5 है, इसकी भी लिमिट को जरा सा पहले तो इंटीग्रेट कीजिए, -2+1 एंड दिस इज द इंटीग्रेशन विथ इनिशियल टू फाइनल। अब लिमिट पुट हो जाएगा, इनिशियल टू फाइनल में बेटर ये होगा कि व्हाट इज द इनिशियल पोजीशंस, टाइम टी को छोड़ दीजिए, पोजीशन 1.0 है तो इनिशियल पोजीशन इज 1.0, व्हाट इज द फाइनल पोजीशन आप यहां तक का निकाल लीजिए, लेट अस सपोज इट इज एक्स है, बाद में पुट कर देंगे 0.5 मीटर, क्योंकि हमें इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बाद में पुट कर लेंगे। तो स्टार्टिंग का लिमिट पुट कर दीजिए, ये फिक्स है और बाद का क्या है एक्स वैल्यू आ गया। यहाँ पर भी वेलोसिटी को पुट कीजिए, क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड लेट अस सपोज वेलोसिटी ही निकालना है एट दिस पॉइंट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चे लोग क्या आ जाएगा, दिस इज वी स्क्वायर बाई 2 आफ्टर पुटिंग प्रॉपर लिमिट, यहाँ पर कितना आ जाएगा -0.5 आ जाएगा और ये -1+2 -1 माइनस से माइनस ये +1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चे लोग, -1 आ जाएगा तो ये 1x आ जाएगा और ये 1.0x से x आ गया, बिल्कुल सही आ गया। माइनस से ये माइनस साइन खत्म हो गया, पॉइंट -2+1 -1 माइनस फिर से -2+1 एक्स का पावर -1 1x करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट हो गया। एक एक करके समझ के अब ये 0.5 का मतलब बच्चे लोग क्या होता है आप जानते हैं 1/2 तो ये और ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आसानी से लिमिट पुट कीजिए, अब बच्चे लोग यहाँ पर हो गया बच्चे वी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया एक बार पुट कीजिएगा तो 1/x और एक बार पुट कीजिएगा तो -1, इसका मतलब 1 - x डिवाइडेड बाई एक्स और अगर वी की बात कर देंगे तो आ गया। तो दिस इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी और पोजीशंस का आ गया आपके पास। अब आपका काम आसान बनता हुआ हो गया, कैसे कि पोजीशन कहाँ पर लेना है एक्स इक्वल टू 0.5 मीटर पर, तो एक्स इक्वल टू 0.5 यहाँ पुट करेंगे तो ये 0.5 करेंगे तो 1 से घटेगा, हाफ है और ये भी हाफ है तो ये ऑब्वियसली 1 आ गया, तो 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये वेलोसिटी में एक बात है, इस जगह पर जो भी वेलोसिटी जा रहा है तो वो पीछे की ओर जा रहा है, इसलिए ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ओवर हो गया। नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट, कहता है इस जगह पर आ जाइए, क्या कहता है वह टाइम क्या होगा जबकि पोजीशन 0.25 आ जाएगा। तो अब मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी से टाइम निकालना है, अगर हम उसकी बात करें तो आपके पास ये आ जाइए, मेरे पास क्या आ गया बच्चे लोग वी आ गया इज इक्वल टू 1 - x डिवाइडेड बाई एक्स। इस वी को आप हटा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए टाइम, तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग dx/dt। अब ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव, आप तो भी देखिए वेलोसिटी नेगेटिव है तो इस नेगेटिव के जगह पर मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो माइनस हो जाएगा dx/dt 1-। इससे आपको x की वैल्यू निकालना है अंडर द स्पेसिफाइड टाइम, कैसे निकालेंगे आप ऐसे आ जाइए, इसे dx कर दीजिए और इसे पूरे के पूरे टर्म को नीचे ले आइए तो 1 - x / x और ये उस साइड चला जाएगा -dt हो जाएगा। इंटीग्रेशंस करना है बच्चे लोग, इंटीग्रेशंस करेंगे तो ये वाला x ऊपर, आपको इंटीग्रेशन करने में ये x ऊपर चला जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा 1/x पूरा के पूरा इंटीग्रेशन dx हो जाएगा -dt।
यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर से आ जाइए, वेलोसिटी के मैंने सब्स्टिट्यूट किया एक्स वन माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ पर इसको मैंने लेते आया, डी टी को लेफ्ट साइड ले लिया माइनस साइन के साथ, एक्स वन माइनस वन डी एक्स कर दिया। अब मैंने क्या किया, पुट एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह के इंटीग्रेशन को स्क्वायर रूट में जब दिया रहे तो बेस्ट फॉर्मेट में रहता है, ऐसे ही सब्स्टिट्यूट किए। अब क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज ऑब्वियसली कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आपके पास आ जाएगा, अंडर रूट में आ गया एंड दिस इज डी एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग इसे लिख सकते हैं अंडर रूट से हटता हुआ, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इन टू डी एक्स आ गया। साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज यहाँ पर पुट किए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स, अगर डी एक्स की जगह पर यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा इन टू कॉस थीटा इन टू डी थीटा। इस डी एक्स को अब यहाँ से हटा दीजिए और उसके जगह पर पुट कर दीजिए, टू साइन थीटा कॉस थीटा इन टू डी थीटा, इंटीग्रेशन लिमिट पुट कर दीजिए कहाँ से कहाँ तक, थीटा वन से थीटा टू, दिस कॉस थीटा एंड दिस कॉस थीटा इज गेटिंग कैंसिल्ड। अब आपके पास क्या हो गया, टू साइन स्क्वायर थीटा इन टू डी थीटा इन टू इंटीग्रेशन थीटा टू। अब साइन स्क्वायर टू थीटा का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए आपको कॉस टू थीटा के फॉर्मेट में जाना पड़ता है। कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। नाउ उससे अगर टू साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग इस साइड कर लें तो दिस इज वन माइनस कॉस टू थीटा, इसकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिएगा। अब बच्चे को क्या हो जाएगा, पूरा के पूरा वन माइनस कॉस टू थीटा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी थीटा के टर्म में। हाँ ऑफकोर्स थीटा वन टू थीटा टू रहेगा ही। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कैसे करेंगे, वन की वैल्यू को यहाँ पर आ जाइए, पूरे के पूरे यहाँ पर टी आ चुका है, अभी टी निगेटिव साइन में आ चुका है, डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस टू थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन टू थीटा बाई टू आ जाएगा, माइंड कीजिएगा टू इसके साथ है टू इसके साथ नहीं है, एंड पुट द इंटीग्रल लिमिट, ये क्या हो जाएगा थीटा वन टू थीटा टू। अब लिमिट को पुट करने का जरा तरीका भी देख लीजिए, क्या लिमिट दिया हुआ, हमने क्या पुट किया, x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाइए। x की वैल्यू को कब लेना है आपके पास, पहला आ जाइए x की वैल्यू को 1 पुट करना है, पहला लिमिट, तो जब इनिशियल x इक्वल टू 1 है तब साइन स्क्वायर थीटा है, इसलिए साइन थीटा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1, और 1 का मतलब साइन पाई बाई 2, चूँकि साइन 90 इक्वल टू 1 है, इसलिए थीटा 1 इक्वल टू क्या हो गया लिमिट पाई बाई 2, इसलिए थीटा 1 का लिमिट आप यहाँ पर आराम से पुट कीजिए पाई बाई टू, एंड वॉट इज थीटा टू लिमिट। अब आ जाइए थीटा टू के लिए पोजिशन कितना है बच्चे लोग, एक्स की पोजिशन तो आपको दिया हुआ है ना 0.25 मीटर पर है, तो अब थीटा टू के लिए आ जाइए, कौन सी बात है, एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक बार यहाँ पर देखिए फिर एक्स इक्वल टू कितना है साइन स्क्वायर थीटा, तो एक्स की जगह पर आप क्या पुट कर दीजिए 0.25, और साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर रहने दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे लिमिट से क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसलिए व्हाट इज साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 1/2, दिस इज साइन 30 डिग्री एंड दिस ऑब्वियसली साइन, साइन को हटा दीजिए तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 6, 180 डिग्री, यस करेक्ट वैल्यू। तो ये थीटा 2 की भी वैल्यू कितना आ गई पाई बाई 6, तो यहाँ पर थीटा 2 की वैल्यू पाई बाई 6 पुट कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया, कैसे करेंगे बच्चे लोग, माइनस टी को रहने दीजिए, थीटा के जगह पर क्या पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यहाँ पर पाई बाई 6 है, अपर लिमिट पाई बाई 6 है, तो थीटा के जगह पर दो लिमिट पुट करेंगे, दोनों का करना पड़ेगा, एक बार थीटा इसकी भी एक बार थीटा इसका, थीटा पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2, इसमें क्या कीजिएगा तो 1/2 को छोड़ दीजिए। अब इसमें आ जाइए साइन 2 थीटा, पहले पाई बाई 6 की वैल्यू पुट कीजिए, साइन 2 पाई बाई 6, 2 की वैल्यू को छोड़ दिए 1/2, तो यहाँ पर से इसका बाहर आ गया, इस साइन इसको छोड़ के इसके लिए साइन 2 पाई बाई 6 आ गया। अब क्या कीजिएगा, दूसरा लिमिट कीजिए साइन 2 थीटा 2, और थीटा की जगह पर क्या दीजिएगा पाई बाई 2 दीजिएगा। मैंने इसमें क्या किया, एक बार अपर लिमिट ले लिया, अपर लिमिट कितना है पाई बाई 6 साइन 2 थीटा के जगह पर पाई बाई 6, एक बार लोअर लिमिट साइन 2 थीटा के जगह पर पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, 2 से 2 कटेगा साइन पाई बचेगा, पाई 0 होता है, तो सिर्फ यही वैलिड आ गया। अब आपके पास क्या हो गया, टी इज इक्वल टू है, तो माइनस टी इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कीजिए पाई बाई 6
माइनस पाई बाई टू, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, तो वन बाई टू साइन पाई बाई थ्री मतलब 60 का मतलब रूट थ्री बाई टू एंड माइनस ये ज़ीरो हो गया। इसकी सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, मतलब माइनस टी इक्वल टू पाई बाई सिक्स। इस वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद आप सिंपल पा जाते हैं, पाई इक्वल टू वन टी इक्वल टू 1.47 सेकेंड। इसे सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस गेटिंग कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई सिक्स पाई बाई टू, मैंने अभी तुरंत सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गया 1.4 सेकेंड एंड दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह इसका आंसर्स कितना आ गया, दो आंसर्स आ गया। पहला आंसर तो आपने बता ही दिया था कि टाइम वेलोसिटी v इक्वल टू माइनस वन मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम की वैल्यू कितना आ गया 1.4 सेकेंड। यहाँ पर जरा ध्यान से आपका इंटीग्रेशन कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम किसी जगह पर इसके सॉल्यूशंस में इंटीग्रेशंस को नेग्लेक्ट कर दिया गया, मैंने उसे नेग्लेक्ट नहीं किया, मैंने खुद सॉल्व करके उसके आंसर तक पहुँचा, और ये टाइम इक्वल टू 1.47 है। आप इसकी वैल्यू को घटा दीजिए, पाई इक्वल टू 3.14 पुट कर दीजिए एंड गेट द आंसर। आज आपने कुछ एक पोर्शंस को देखा, मैंने आपके साथ कवर किया, आप उम्मीद करते हैं इस जगह पर आपने इंजॉय भी किया होंगे, कुछ लंबे क्वेश्चन होने के कारण टाइम टेकिंग लगा। अभी ये पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है, इस पार्ट में एक पार्ट और भी बचा हुआ, ये फर्स्ट पार्ट मेरा था जहाँ तक मैंने काइनेमेटिक्स के आईटी मेंस और एडवांस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आपने इंजॉय किया, कॉन्फिडेंस को डेवलप किया। आप उन्हीं सारे क्वेश्चन पर फोकस कीजिए जहाँ पर आपको डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा आ रही है, बाकी जो ईजी क्वेश्चन है उसको आप स्किप करते चले जाइए। नेक्स्ट के वीडियो में मैं डाल देता हूँ उसके अगले कंटेंट्स को, जब मैं सॉल्व करता हुआ मिलूंगा काइनेमेटिक्स के अगले कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को, आप भी कंसेप्ट को डेवलप कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।